Hello everyone, hello. Hello, 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 guys, hello. Hello, hello, hello. hello everyone, please come fast. या ऑल ऑफ यू कम हरी गाइस अ वन सक्सेस का कोई कमेंट आ रहा है उसको uh, ब्लॉक करो ओके वेलकम सर लव यू लव यू टू गाइस फटाफट आ जाओ हेलो सर वेटिंग फॉर सर थैंक यू हाँ ओके आपने नोट्स नहीं सेंड किया सर इस चैप्टर का नहीं। अच्छा नहीं किया क्या आज सेंड कर दूंगा आफ्टर द लेक्चर ठीक है ओके okay, स्टार्ट 108 people are watching and that's not good ah huh? नॉट गुड आढ़ाओ जरा स्पीड बढ़ाओ टू नाइनटी नाइन कम गाइज कम फास्ट आस इस चैप्टर के अच्छे से लेंगे या डेफिनेटली सर प्लीज ब्लॉक सक्सेस या सक्सेस इज गोइंग टू ब्लॉक नाम सक्सेस रखा है लेकिन काम बहुत गंदा कर रहा है बच्चों एक बार मुझे बताओ बिफोर आई स्टार्ट माई लेक्चर माय वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली और नॉट माय माई लेक्चर वॉइस इज कमिंग प्रॉपरली गुड इवनिंग ओके okay. क्या बात है क्या बात है चलो स्टार्ट करते हैं है। जीवन में अंधकार तभी अधिक चढ़ता है जब व्यक्ति शिक्षा को छोड़ के अज्ञान को बढ़ाता है या चलो स्टार्ट करते हैं फाइन फाइन स्टार्ट स्टार्ट सो चैप्टर है आपका आज का सुपर पोजिशन ऑफ वेव राइट दिस इज द चैप्टर और ये है थेरी लेक्चर जिसमें आज हम इस चैप्टर की थेरी के बैंड बजाने वाले हैं ठीक है आज हम चैप्टर के अच्छे से बजाएंगे क्योंकि ये लास्ट चैप्टर है आपके फिजिक्स पार्ट वन का दिस इज द लास्ट चैप्टर ऑफ योर फिजिक्स पार्ट वन तो आज हमें इस चैप्टर के साथ फिजिक्स वन को बोलना है बाय बाय ठीक है और नेक्स्ट मे बी ऑन नेक्स्ट वीक हम वेलकम करेंगे फिजिक्स टू का ओवी वेव ऑप्टिक्स के साथ ठीक है तो आई होप कि आपको फिजिक्स वन में काफी मजा आया होगा मैंने इंजॉय कराया होगा आपको फिजिक्स टू में भी वह राफचिक इंजॉय कराएंगे बिकॉज वो पूरा इलेक्ट्रिकल के ऊपर है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड इस सबके ऊपर मजा आएगा ठीक है सर आज तो मचाए हैं क्या बात है धन्यवाद बाय सर रोमिनेट आपका लगता है ट्वेल्थ हो गया बेटा आप पहले स्टडी करते थे मुझसे आई नो रिमेंबर वो टफ जाता है सर नहीं नहीं पार्ट टू बहुत चिंदी है ओके स्टार्ट स्टार्ट लेकिन थोड़ा तो तादाद बढ़ाओ टू नाइनटी नाइन पीपल आर वाचिंग एंड ओनली वन थर्टी फोर इज थम्प नॉट गुड डू इट फास्ट ओके स्टार्ट करते हैं तो आज हम लेने वाले हैं किसकी इसकी, सुपर पोजिशन ऑफ वेव की ठीक है सुपर पोजिशन ऑफ वेव दिस इज अवर चैप्टर ये हमारा चैप्टर सुपरपोजिशन ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ हमें जानकारी ठीक है एक शॉर्ट में लेना है वी हैव टू अंडर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर इन वन शॉर्ट दो घंटे के अंदर दस घंटे का चैप्टर भाई थारा भाई दो घंटे में पूरा समझाने की को कोशिश करेगा जिसमें आपको पूरा थेरी का एक्सप्लेनेशन करूंगा मैं आपको जिससे आपको काफी आइडिया आ जाएगा चैप्टर के बारे में और थोड़ा सा ओल्ड वीडियो अगर इसके साथ अगर आप देख लोगे चैप्टर का तो भाई सोने पे सुहागा हो जाएगा ठीक है तो आई विल सजेस्ट कि थोड़ा ओल्ड वीडियोस भी साथ में लेकर चलो ओल्ड वीडियोस प्लस वन सोर इक्वल टू हंड्रेड परसेंट रिजल्ट है ना अच्छा आइडिया ठीक है सो आई विल सजेस्ट कि इसको आप करें मेरे साथ उसके बाद समय निकाल के जब ओल्ड वीडियोस देखोगे तो आपको यहाँ पर चैप्टर का पूरा समरी आपके दिमाग में बैठ जाएगा फिर ओल्ड वीडियोस देखने में मज़ा कुछ अलग ही आएगा ठीक है तो जब भी आपको ओल्ड वीडियोस देखना उससे पहले वन शॉट देख लो वन शॉट से क्या होगा चैप्टर के बारे में आपको एक फटाफट -फटा एक आइडिया आ जाएगा एक इमेजिनेशन क्रिएट हो जाएगा चैप्टर को लेकर और फिर आपको ओल्ड वीडियोज पढ़ने में मजा आएगा बिकॉज आपको पहले से कुछ कंसेप्ट उसके पते रहेंगे ठीक है तो उससे एक ट्रिक होता है कि आप पहले वन शॉट देखो देन यू गो फॉर ओल्ड वीडियोस मतलब इसके रेगुलर वीडियोस देखो जो आपको ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा एंड उसके बाद भाई आपको लगेगा भाई मेरा चैप्टर हंड्रेड परसेंट हो चुका है अब मुझे फिजिक्स से डर नहीं ठीक है अब फिजिक्स से डरना क्या ठीक है तो ऐसा आपको फीलिंग आने लगेगा चलो स्टार्ट करते हैं यह है थारा भाई प्रोफेसर अजय दुबे एंड चलो स्टार्ट करते हैं हमारे प्यारे से चैनल न्यू इंडियन एरा के साथ ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं बेटा चैप्टर नोट्स आपके लिए यहां पर रहा चैप्टर है आपका क्या चैप्टर है सुपर पोजिशन ऑफ सुपर पोजिशन किसका ऑफ वेव का ये हमारा चैप्टर राइट गाइस दिस इज अवर चैप्टर किसके मतलब बारे में किस के बारे में, वेव के बारे में वेव. वेव पता है क्या होता है नहीं पता ना इसलिए मैं सबसे पहले लिखा किसकी जानकारी दिया हूं बिकॉज अभी भी कुछ ऐसे स्टूडेंट है कि वेव होता क्या है ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट वेव क्या होता है फिर वेव की जानकारी लेके हम चैप्टर की गहराई में ऐसे आहिस्ता आहिस्ता उतरेंगे ठीक है फिर मचाएंगे या सुनो सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट द चैप्टर वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वेव ये वेव होता क्या है भाई ये वेव बनता किससे है ठीक है ये वेव क्या होता है तो वेव का जानकारी मैंने यहां पर देने की पूरी कोशिश की है चलो इसी के नाम के साथ चैप्टर की स्टार्ट करते इसके अच्छे से लेंगे चैप्टर की भाई समझ के ठीक है समझ के बढ़िया से लेंगे हम आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ हा तो वेव किसके वजह वे से बनता वे है बेटा वेव आर फॉर्म ड्यू टू डिस्टर्बेंसेस मतलब वेव किसके वजह वे से बनते हैं डिस्टर्बेंसेस ऑफ दी पार्टिकल जब पार्टिकल को डिस्टर्ब किया जाता है तो वहां पर वेव जनरेट होता है ठीक है वेव अपने आप से नहीं बनता है इज ड्यू टू पार्टिकल डिस्टर्बेंस ठीक है अभी मैं यहां पर बोल रहा हूं ठीक है तो मेरा जो साउंड निकल रहा है तो ये साउंड मेरा यहां पर जो पार्टिकल है हमारे एटमोसफेयर के उन पार्टिकल पे वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा है जिसके वजह से यहां पर जो पार्टिकल्स हमारे अगल बगल डिस्टर्ब हो रहे हैं और वो वेव के फॉर्म में आगे बढ़ के आप तक मेरी आवाज पहुंचा रहे ठीक है आप तक मतलब जैसे कि आप तक तो भाई आपका कौन सा जा रहा है लाइट के फॉर्म में जा रहा है आप, आप तक आवाज लेकिन जो मेरे सामने यहां पर हेमंत बैठे हैं तो हेमंत जो मेरी आवाज यहां पर एयर मीडियम के द्वारा सुन रहे हैं तो इन तक मेरी आवाज पहुंच रही है बिकॉज यहां एयर मीडियम है यहां पर पार्टिकल्स हैं तो मेरी आवाज उस एयर पार्टिकल से टकराता है और टकराने के बाद पार्टिकल क्या करता है वाइब्रेशन क्रिएट करता है वेव के फॉर्म में आगे बढ़ के हेमंत के कान तक जाता है तो मेरे कहने का मतलब वेव होता क्या है वेव इज फॉर्म ड्यू टू डिस्टर्बें ऑफ द पार्टिकल ठीक है बेटा हमेशा ध्यान दीजिएगा वेव डिस्टर्बेंस ऑफ दी पार्टिकल के वैसे फॉर्म होते अच्छा मैं बोलूंगा ही नहीं तो यहां से आवाज निकलेगा नहीं आवाज निकलेगा नहीं तो यहां के पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे ही नहीं और जब पार्टिकल डिस्टर्ब होंगे ही नहीं तो भाई उनको सुनाई देगा क्या कुछ नहीं सुनाई देगा क्यों क्योंकि मैंने यहां से वाइब्रेशन किया ही नहीं जब मैं आपसे साउंड रिलीज करूंगा तभी यहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा तो बेब बनेगा बेब बनेगा तो बेब आगे जाके सामने वाले को क्या करेगा मेरा इंफॉर्मेशन शेयर कर देगा ठीक है तो वेव मतलब क्या होता है डिस्टर्बेंस ऑफ पार्टिकल ठीक है जब पार्टिकल डिस्टर्ब होते हैं तो वेव फॉर्म होते हैं आपको और बताता है, नो? पानी है, पानी है, नो साइलेंट वाटर है पानी में कोई भी मोमेंटम नहीं हो रहा है ठीक है ऐसा सोचो अब जब पानी में कोई मोमेंटम नहीं हुआ है और उस स्विमिंग पूल पर थारा भाई मतलब मान लो थारा भाई नहीं अपना अंडिया अपना अंडिया उस स्विमिंग पूल के अगल बगल घूम रहा है अब अंडिया को बड़ी जोर का नहाना आया है या फिर बड़ी जोर का मस्ती आया है ठीक है तो अंडिया को मस्ती सूझ रहा है तो वो सोच रहा है यार पानी इतना शांत कैसे है वो भी अंडिया के होते हुए ठीक है तो वो क्या करेगा वो पानी जो शांत दिख रहा है उसमें क्या करेगा बड़ा सा पत्थर ढूंढेगा हर पत्थर मिल गया ठीक है ऐसा बड़ा सा पत्थर ढूंढेगा और पत्थर ऐसे उठाएगा और पानी में ले खच्चा ठीक है पानी में डाल देगा अब पानी में खच 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 ऐसे क्या होगा वाइब्रेशन होगा वहां पार्टिकल जितने रहेंगे किसके वाटर मॉलिक्यूल के जो पार्टिकल रहेंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे ठीक है जब ऐसे तो, मान लो पत्थर है पत्थर अंडे से फेंका एले पुचक एले पुचुक जहां गिरेगा पुचुक आवाज आएगा और वहां पर ऐसे 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 क्या हो जाएगा वहां के वाटर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो जाएंगे और जब डिस्टर्ब हो जाएंगे तो एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल दूसरा तीसरे तीसरे चौथा पांचवा छठे सब वाटर मोलिक दूसरे को क्या करेंगे डिस्टर्ब करेंगे और डिस्टर्बेंस हाई हो जाएगा तो क्या बनेगा वेव वेव बनेगा बनेगा ठीक है वेव बनने लगेगा तो देखोगे वहां पर वाटर मॉलिक्यूल डिस्टर्ब हो चुका है और उसमें पानी ऐसा तरंग के फॉर्म में ऐसे ऐसे फ्लो कर रहा है वेव के फॉर्म में ऐसे क्या कर रहा है फ्लो कर रहा है ये सुनो तो वहां पर क्या हुआ वेव बन गया वेव अपने आप बना क्या नहीं यार वेव बना है इसके वजह से वजह से? डिस्टर्बेंस की वजह से डिस्टर्बेंस क्यों दिया जब डिस्टर्बेंस उसको दिया तब वहां पर वेव जनरेट हुआ सही पकड़े सबको समझ में आया वेव कैसे बनता है वेव डिस्टर्बेंस के वजह से जनरेट होता है जब तक आप डिस्टर्बेंस नहीं दोगे तब तक वेव नहीं बनेगा ये सुनो सबको समझा गया क्या तुम्हें समझ में आ रहा है बताओ फटाफट पब्लिक क्या सबको समझ में आ रहा है यार मेरे में आप लोग ब्लड दिखाई दे रहे हो एक सेकंड रुको क्वालिटी में थोड़ा बढ़ा देता हूँ क्वालिटी थाउजेंड हाँ कर दिया हाँ अभी मैं गोरा दिख रहा हूं <laughs> पहले मैं सोच रहा था कि थारा भाई पढ़ा रहे कोई और पढ़ा रहे है <laughs> ओके सबको समझा गाइस वे में मजा आ रहा है ओके 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 आई होप सबको मजा आएगा क्योंकि आज भाई टाटा बाय बाय करना है फिजिक्स वन की हमने अगर आपको याद होगा फिजिक्स वन की बहुत अच्छे से लिए इतना कड़क लिया है ना कि क्या बताओ ठीक है अब ऐसे हम फिजिक्स टू में जाएंगे आने वाले टाइम में फिर उधर ठीक है मचाएंगे उधर भी पांच लोग जाग रहे हैं और कितने लोग दबाए हैं थ्री फोर्टी नाइन साफी है। चलो स्टार्ट करते हैं चलो तो वेव वेव तो समझ में आ गया वेव समझ में आ गया कि वेव डिस्टरबेंस के वजह से फॉर्म होता है बरोबर लेकिन वेव चलता कैसे है वेव जब बन जाता है तो वेव प्रोग्रेसिव हो जाता है वेव क्या हो जाता है प्रोग्रेसिव हो, हो, हो जाता है क्या हो जाता है बेटा प्रोग्रेसिव अगर वेव बना है तो वो प्रोग्रेसिव हो जाता है प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है सर प्रोग्रेसिव मतलब क्या होता है मतलब वो फ्लो करने लगता है अगर वेव जनरेट हुआ तो वह वेव फ्लो करेगा ठीक है और कोई चीज फ्लो कर रहा है मोशन में है उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव जैसे कि आ, मैं समझ लो अपनी टीचिंग में प्रोग्रेस कर रहा हूं मतलब डे बाय इंप्रूवमेंट कर रहा हूं कुछ ना कुछ छेड़खानी कर रहा हूं मतलब मैं प्रोग्रेस कर रहा हूं ऐसे आप पहले मान लो कि अपने एग्जाम में पांच नंबर लाते थे बहुत मेहनत किए आज आप नाइनटीन ट्वेंटी नंबर लाने लगे मतलब आपने बहुत प्रोग्रेस किया मतलब आप लोअर से हाई पर आगे ठीक है तो प्रोग्रेसिव मतलब आप का प्रमोशन हो रहा है मतलब आप आगे बढ़ रहे हो ठीक है तो जब वेब जब फॉर्म हो जाता है तो वो प्रोग्रेसिव होने लगता है प्रोग्रेसिव मतलब आगे चलने लगता है जैसे बेब बना और वेब बन के रुकेगा नहीं ऐसे 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 वाइब्रेट होके आगे बढ़ने लगेगा और इसे क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव उपयोग तो देखो क्या लिखा है यहां पर देखो जरा बहुत क्या लिखा बच्चों द फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ड्यू टू एनी ऑसिलेटरी इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव तो यही वे जानकारी मैं आपको दूंगा बेटा जब वेव बन जाता है तो वेव प्रोग्रेस करने लगता है और उसे हम कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव क्या कहते हैं प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं ठीक है अंडरस्टूड और नॉट वो अपना प्लेस चेंज करने लगता है और हाँ अपने प्लेस से ले 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 क्या करता है

मतलब वेव भी उन्हीं से शुरू होता है उन्हीं पे खत्म होता है मतलब दो इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा वेव के बारे में एक वेव का नाम होता है ट्रांसवर्स वेव क्या होता है बेटा ट्रांसवर्स वेव और एक वेव है लॉन्जनल वेव क्या बेटा लॉन्जनल वेव मार्केट में आपको दो प्रकार से वेव मिलेंगे एक होगा ट्रांसवर्स और एक होगा लॉन्ज और भी होंगे यार मैकेनिकल विकेनिकल बताते होंगे सब उसी के अंदर में आते हैं सब टेंशन मत लेना ठीक है अनशुर। तो मेन दो यही है ऐसे और भी है लेकिन मेन ही है मेन इनको इनको समझ डाला तो लाइफ झिंगा डाला ठीक है मतलब टेंशन तो भाई गयो टेंशन नहीं आएगा फिर ठीक है तो भाई जो वेव होता है वो हमेशा प्रोग्रेस करता है और वेव बेसिकली दो फॉर्म में बनता है हमेशा एक ट्रांसवर्स फॉर्म में और एक लॉन्ज फॉर्म में बनता है बेटा तो ऑलवेज रिमेंबर दिस ऑलवेज ध्यान रखियो ठीक है नेवर फॉरगेट कभी भूलियो ना ठीक है भूलना नको अब हम एक एक की लेते हैं ठीक है पहले हम लेंगे ट्रांसवर्स वेव होता क्या इसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं ठीक है लेट्स टॉक इन सम डिटेल अबाउट ट्रांसवर्स वेव अच्छा ये वेव के बारे में बात करता हूं तो क्या बोलता है ये वेव परपेंडिकुलर टू द मीडियम ये प्रोग्रेस करता है मतलब ये चलता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में और चलते समय कैसे रहता है परपेंडिकुलर रहता है ठीक है मतलब ये एक्चुअली ऐसा ऐसा ट्रैवल करता है ऐसा कैसे देखो ऐसे ऐसे

पैरल रहते हैं पहले समझता है पैरल मतलब एक मतलब लेबल में चलते हैं अंडरस्टूड नॉट लेबल में चलते हैं जैसे कि पहले कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन फिर फिर कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन फिर कंप्रेशन फिर रेयर फ्रैक्शन ऐसा करता है ठीक है बताऊंगा टेंशन ना लो कैसे होता है तो बेटा ध्यान देना ये मीडियम में चलता है तो परपेंडिकुलर फॉर्म में चलता है और ये मीडियम में चलता है तो पैरल चलता है ये छोटी सी जानकारी थी ठीक है चलो अब इसका चाल दिखता कैसे है कैसा ये ऐसा चलता है ऐसा ऐसा चलता है। अभी मैंने आपको बताया था ना ऐसा चलता है ठीक है ऐसा चलता है, तो उपू <laughs> क्या है भाई? कृष्ट और निचू क्या बनाता है ट्रफ क्या बनाता है ट्रफ ठीक है बनाता है मतलब ट्रफ

दो वेवो के बीच के लेंथ को वेव लेंथ कहते हैं ठीक है थीके? तो एक वेव दो वेव लेकिन दो वेव सक्सेस ही होना चाहिए मतलब एक ही मीडियम में होना चाहिए ऐसा नहीं कि इस बेव का इस इस वेव वेव का वीडियो के साथ जोड़ी बनाओ तो रॉन्ग हो जाएगा इसका इसके साथ इसका इसके साथ मतलब उसी मीडियम में रहना चाहिए ठीक है तो दो वेव के बीच का जो लेंथ बनता है बेटा वो वेव लेंथ बन जाता है अंडरस्टूड नॉट और ये वेव कितना ऊपर से नीचे आ रहा है कितना ऊपर से नीचे जा रहा है फिर कितना नीचे आ रहा है तो ये जो वाइब्रेशन करता है कितने हाइट पर वो उसका रहता है एम्पलीट्यूड तो इधर वाला एम्प्लीटूड पॉजिटिव रहता है और नीचे अगर आ रहा है तो एम्पलीट्यूड तो क्या रहता है निगेटिव रहता है ध्यान दीजिएगा ठीक है तो दिस वॉज में आपके ट्रांसवर्स वेव के बारे में किसके बारे में ट्रांसवर्स ट्रांसवर्स वेव भाई सबसे इंपॉर्टेंट वेव होता है बहुत रापचिक वेव होता है बहुत रापचिक ये हमारे जीवन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है पता है यस yes. आपको पता है क्या पता है हमारे आपको पता है जो लाइट होता है लाइट लाइट का नाम सुना है हाँ सन्नी भाई का जो लाइट आता है ले 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 जो सन्नी भाई आप बोलते ना तो जो लाइट आता है धरती मैया तक तो इसी के स्पीड में आता है ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में आता है ठीक है वो इलेक्ट्रो फॉर्म में रहता है लेकिन उसका जो नेचर रहता है वो कैसा रहता है ट्रांसफर्स ही रहता है ट्रांसफर नेचर रहता है और वो ऐसे ऐसे करते आता है और कितने स्पीड से आता है पता है जो आपका ये जो ट्रांसफर्स वेव जब मूव करता है बहुत तेज मूव करता है और उसका स्पीड होता है लाइट का स्पीड होता है जो कि कितना होता है थ्री इंटू टेन द पावर एट मीटरवा के नीचे दिस इज द वेरी हाइएस्ट स्पीड ऑफ वेव ठीक है तो लाइट का जो भी सिग्नल होता है ये ट्रांसवर्स वेव में ही रहता है मतलब लाइट का कोई भी चीज करना है तो वो ट्रांसवर्स वेव ही द्वारा किया जा सकता है और इतना वेव होता है गाइस इसको ना यहां से यहां जाने के लिए कहीं पे भी जाने के लिए ना मीडियम का रिक्वायरमेंट नहीं होता है मीडियम मिला तो भी अच्छा है नहीं मिला तो भी अच्छा है ठीक है मतलब नो मीडियम रिक्वायरमेंट मिला तो बल्ले बल्ले ना मिला तो भी बल्ले बल्ले मतलब इसका कोई ऐसा नेसेसरी नहीं है कि इसको मीडियम चाहिए ही चाहिए ठीक है मतलब ये भाई कहीं भी घुस सकता है कहीं भी घुस के मार के आएगा ठीक है कहीं भी घुसेगा भी और मारेगा भी ठोक के आएगा तो बहुत खतरनाक वेव होता है ठीक है अनस्टूडर जो रेडिएशंस निकलते हैं तो ये सब जो आपके देखो ना आपके डिस्क डिस्क का होता है ना आपके घर के ऊपर डिस्क होता है डिस्क तो डिस्क के अंदर जो सिग्नल आता है लाइट सिग्नल आता है ठीक है वो इसी वेव्स के द्वारा तो आता है सेटेलाइट सेटेलाइट क्या करता है सिग्नल भेजता है सिग्नल जो रहता है वो लाइट वेव के फॉर्म में रहता है लाइट वेव मतलब वेव के फॉर्म में रहता है और आपके वो डिस्क केबल पे आता है उससे स्ट्राइक करके फिर आपके घर पर सिग्नल आता है ठीक है आपके टीवी तक आता है तो ध्यान दीजिएगा लाइट का जो भी हरकत होता है सब ट्रांसफर वेव करता है सर इसके बारे में कुछ बताओ ये जो होता है भाई साउंड वाला होता है ये साउंड वाला लॉन्जी जो होता है ना लॉन्जी टूनल लॉन्जी जो होता है ध्यान दीजिएगा लॉन्जिटूनल वेव जो होता है ये मार्केट में साउंड के लिए फेमस है किसके लिए साउंड वेव ठीक है साउंड वेव तो साउंड वेव जो होता है बेटा ये लॉन्जिटूनल वेव के लिए होता है और जो ये आपका ये ट्रांसवर्स वेव होता है किसके लिए होता है बेटा लाइट के लिए होता है किसके लिए होता है लाइट वेव के लिए होता है ठीक है ये ध्यान दीजिएगा और जब ये चलता है तो एक दूसरे को पैरेलल चलता है दिख रहा है एक दूसरे को पैरेलल दिख रहा होगा पैरेलल ठीक है एकदम पैरेलल चल रहा है और चलता है तो क्या करता है पता है ये कंप्रेशन मतलब खचा खच है फिर यहां पर क्या रेयर फ्रैक्शन है फिर खचा खच है फिर यहां कंप्रेशन है फिर रेयर फ्रैक्शन है ठीक है मतलब यहां पर बहुत भीड़ भाड़ फिर यहाँ पर खाली फिर यहां पर भीड़ भाड़ फिर यहां पर खाली समझा तो मतलब ऐसा होता है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन मतलब कैसा आपने वो पिक्चर देखा है कहो ना प्यार है किसका पिक्चर था ये ऋतिक रोशन का स्टेप है ना लल ऐसा करता ना? आईसा, 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 तो है ना ऐसा 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 ठीक है तो ऐसा कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन मतलब कंप्रेशन करके क्या करता है वाइब्रेशन को आगे बढ़ाता है फिर जाके वो पार्टिकल फिर से चिप, चिपक जाते हैं मतलब फिर से क्या करते हैं कोलिजन करते हैं कोलिजन करके फिर से उनको एनर्जी मिलता है फिर से आगे बढ़ते हैं ठीक तो है तो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन फॉर्मेशन करके वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे लेके जाते हैं तो कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर ऑफ एनर्जी तो ऐसा करके आपका साउंड एनर्जी क्या होता है साउंड एनर्जी जो रहता है वो ट्रांसफर होता है क्या होता है ट्रांसफर होता है आगे बढ़ता है एक फॉर्म से मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर और कौन लेके जाता है कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन जो अल्टरनेटिव होता रहता है वही लेके जाते हैं ठीक है थीके? तो ये चीज ध्यान दीजिएगा ठीक है दिस इज समथिंग अबाउट साउंड वेव क्योंकि लॉन्जिटनल वेव साउंड वेव होता है ध्यान दीजिएगा ठीक है चलो और देखते हैं और भाई इसको ना ट्रैवल करने के लिए भाई मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है ठीक है जब तक इसको मीडियम मिलता नहीं तब तक वह ट्रैवल नहीं कर सकता ठीक है तो ये ध्यान दीजिएगा बेटा ध्यान दीजिएगा इसको मीडियम की जरूरत पड़ती है अगर मान लो यहां पर एयर मीडियम नहीं है ठीक है वैक्यूम मीडियम में है और मैं कितना भी चिल्लाऊंगा तो हेमंत सुन ही नहीं पाएंगे क्यों नहीं सुन पाएंगे क्योंकि यहां पर एयर मीडियम नहीं है एयर मीडियम में क्या होता है पार्टिकल्स रहते हैं पार्टिकल्स क्या होते हैं वाइब्रेट होके मेरे मेरी आवाज को आगे लेके जाएंगे लेकिन पार्टिकल यहां पर है ही नहीं है टोटल विदाउट पार्टिकल मीडियम है है विदाउट पार्टिकल मीडियम 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 मतलब वैक्यूम वैक्यूम हो जाता है। और मीडियम में जब भाई कुछ पार्टिकल्स रहेंगे तो मेरी मेरी आवाज आवाज कैसे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचेगी बताओ जरा ठीक है तो इसको मीडियम का रिक्वायरमेंट रहता है मीडियम इज मैंडेटरी ठीक है तो मीडियम के बगैर जाता नहीं है मीडियम के बगैर नो डोला रे नो डोला रे और ये मीडियम के बगैर भी डोला रे डोला रे ठीक है मतलब अपना प्लेस चेंज करता रहता है ठीक है तो बहुत भारी वाला टैग ये बहुत भारी वाला है ये वाला ना वाला है ये, नहीं है है ये नहीं ठीक और एक चीज बताऊ साउंड का स्पीड पता है याद रखना साउंड का जो स्पीड होता है साउंड का जो स्पीड कहते हैं वेलोसिटी ठीक है ध्यान दीजिएगा ये थ्री कहीं आपको थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड दिखाई देगा और कहीं पर ऐसा हो सकता है थ्री फोर्टी थ्री मीटर पर सेकेंड दिखाई दे तो दोनों आंसर राइट है ठीक है देखिए मेरे हिसाब से थ्री थर्टी वाला एकदम राइट है आपको अलग अलग बुक में देखने को मिल सकता है तो यह है साउंड का स्पीड अगर कोई मार्केट में पूछता लाइट का स्पीड क्या होता है तो आप बता देना सी इज इक्वल टू थ्री इंटू टेन द पावर एट मीटर वाक के नीचे वा सेकंड और ध्यान दो बेटा ये स्पीड का लाइट जो होता है लाइट का स्पीड बहुत, बहुत 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 तेज रहता है और ये थोड़ा कंपेयर टू दिस बहुत छोटा रहता है ये बहुत तेज चलता है यह बहुत स्लो चलता है ठीक है यही की वजह से कभी जब आकाश में बादल टकराते हैं और गड़गड़ाहट होता है गरज आता है, गर है तो बादल गरजता है तो भाई लाइट हमें पहले चमकता नजर आता है उसके कुछ सेकंड के बाद हमें ढड़ाम से आवाज आता है ठीक है तो लाइट हम तक तो पहले पहुंचता है क्यों क्योंकि लाइट का स्पीड फास्ट होता है कंपेयर टू साउंड यह चीज ध्यान दीजिएगा ठीक है यह सब बेसिक चीजें हैं चलो अगु बढ़ते हैं चलो हाँ, तो बताओ अब तक का सेशन कैसा रहा अब तक का सेशन कैसा रहा वट राइट सो मजा आ रहा गाइस इतना समझा आप लोग को अंडरस्टूड गाइस अंडरस्टूड गाइस क्लियर 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 क्या बोलते पब्लिक हे ब्रदर आई लव यू होम इंग अबाउटी और हेमंत हा 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 ओके मस्त आई लव इट यू गाइस ओके सब भाई हंसते रहो खेलते रहो मचाते रहो पढ़ाई जबरदस्त करते रहो जो पढ़ेगा उसको अज्जू भाई का फुल सपोर्ट मिलेगा पढ़ाई करो ओके okay, चलो आगे लेते हैं नेक्स्ट मजा आ रहा है नोट्स देख के मजा आ रहे है नोट्स में मजा आ रहे है गाइस नोट्स कैसे रहता है आपका मजा आ रहा है नोट्स देख के आई गैस एंजॉयिंग द नोट्स ओके बहुत मस्त लगा धन्यवाद 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 थैंक यू शुक्रिया ओके okay, चलो फाइव नाइन्टी नाइन पीपल वॉचिंग क्या बात है सेल्यूटू गाइज आप अपना समय निकाल के मन ने टाइम दे रहे हो बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन थाउजेंड लेके जाओ यार मजा आएगा आगे बढ़ते हैं

लेकिन मैंने वेव कहां तक तो बना यहां तक तो बना है तो फिलहाल इसका एम्पलीट्यूड यहां तक है एम्पलीट्यूड मतलब होता है कि उसमें वाइब्रेशन कितना तेज ज्यादा वो तेज वाइब्रेशन करोगे उतना तेज वेव जनरेट होगा कोई छोटा वेव बनेगा ले और कोई बड़ा बनेगा हेल ले ठीक है तो जितना मतलब कितना हाइट तक तो वेव जा रहा है हेल बड़ी बड़ी लहरें तो जितनी बड़ी बड़ी लहरें उतना बड़ा बड़ा एम्पलीट्यूड ठीक है तो ऊपर वाला पॉजिटिव एम्पलीट्यूड होता है और नीचे वाला नेगेटिव होता है ठीक है तो ध्यान दीजिएगा अंडरस्टूड

पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव ठीक है तो दो वेव के बीच, मतलब तो बीच, बीच का जो लेंथ होता है उसे वेव लेंथ कहते हैं मतलब दो वेव एक वेव दो वेव तो दो वेव के बीच का जो लेंथ है ठीक है जो दो वेव के बीच का जो लेंथ होता है उसे वेव लेंथ कहते हैं द सक्सेसिव डिस्टेंस बिटवीन द टू वेव इज साइमर तो पब्लिक वेवलेंथ मार तो ठीक है उसे वेवलेंथ कहते हैं ठीक है तो ऐसा कैसा बगा इकड़े यहां पर भी कैसा रहेगा सेम रहेगा देखो एक बेव दूसरा तो इन दोनों के बीच का जो दूरी रहेगा बनेगा। तो ये नीचू वाला ठीक है मतलब डिफरेंट डायरेक्शन चेंज बताता है कि नीचे बन रहा है ऊपर बन रहा है ठीक है समझ में आ रहा है मेरी बात चल जाओ नेक्स्ट ओके यहां पर कोई प्रचार कर रहा है हेमंत पकड़ो उसको फॉलो टारगेट पब्लिकेशन बेटा यहां पर ध्यान दो बड़ा आपके हैंड राइटिंग से प्यार हो गया है सर धन्यवाद 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 आपका मंडल आभारी है माही जी भगवान आपको भी ऐसी राइटिंग बनाने की शक्ति दे ऐसे मेरे सभी बच्चे राइटिंग बनाए उनका भला हो और अच्छा अच्छा नंबर लाएं अपने मम्मी पापा का हमारा नाम रोशन करें न्यू इंडिया का नाम रोशन करें चलो सर डे बाय डे बहुत हैंडसम दिख रहे हो अरे भाई हमको देख रहे हो आप की पढ़ाई कर रहे हो आ? और कौन देख रहा है भाई देखना पड़ेगा अच्छा सर लेमडा का कोई स्पेसिफिक वैल्यू होता है क्या नहीं नहीं लेमडा का कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होता लेकिन हाँ कुछ होता है अब वो क्या होता है उसके लिए वेट करना पड़ेगा वो आज ही बता दूंगा क्योंकि आज मैं आपको बताऊंगा लेमडा का वैल्यू कहां पर बनता है ठीक है तो वैसे तो नहीं है लेमडा का जो वैल्यू बताऊंगा वो आप हर जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते हर जगह वही इस्तेमाल कर सकते जो कॉन्स्टेंट होता है ठीक है तो यहां पर एक जगह मैं आपको जरूर बताऊंगा लेमडा का वैल्यू तो उसके लिए थोड़ा वेट करो धैर्य रखो पेशेंस रखो बताऊंगा रुको जरा बताऊंगा सब कुछ बताऊंगा ठीक है होले होले करेंगे ना होले होले ठीक है आ जाओ अगला टॉपिक बेटा नेक्स्ट टॉपिक है टू वेव्स आर कमिंग ऑन सेम पॉइंट टू वेव्स आर कमिंग ऑन सेम पॉइंट फ्रॉम सेम मीडियम ऐसा है तो मान लो एक बेब उधर से आ रहा है एक बेब आपका इधर से आ रहा है और एक बेव उधर से आ रहा है ये भी ऊपर से आ रहा है ये भी ऊपर से आ रहा है ठीक है मतलब इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है ये भी ऊपर ऊपर से आ रहा है ठीक है मतलब एक इधर से आ रहा है एक इधर से आ रहा है अब देखो क्या होने वाला है अरे 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 रहे ठीक है मतलब ऐसा आपस में आके ना वेब टकरा के अब बड़ा वेब बन जाएगा ठीक है तो ऐसा कुछ होने वाला है जब दो वेव एक ही पॉइंट पर आके टकराएंगे और एक ही मीडियम में हो तो क्या होगा तो उनका इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा जहां टकराएंगे और जब इंटेंसिटी हाई हो जाएगा इस तो उनका जो रिजल्ट बनेगा रिजल्ट जैसे समझते हो हेल इतना बड़ा वाला वेव बनाएंगे ठीक है मतलब ये और ये मिला देंगे मतलब दोनों एम्पीट्यूड क्या हो जाएगा मिल जाएगा और बड़ा वाला क्या बनेगा वहां पर वेब जनरेट हो जाएगा यस और नो तो ऐसा कुछ हो जाएगा ये ध्यान दीजिएगा समझा मतलब जब दोनों आपस में मिलेंगे बेटा दोनों आपस में तो ऐसा कुछ होगा देखो देखो आपस में टकराए सपोज यहां पर बीच में आके टकराए यहां पर आके टकरा गए यहां टकराएंगे तो बेब ऐसे उठेगा और ऐसा बड़ा वाला बेब बना के ऐसा घड़ाम करेगा ठीक है ये वेब ये भी आपस मिलके बड़ा सा बेब बनाएंगे ठीक है तो इनका इंटेंसिटी प्लस हो जाएगा उसे कहेंगे हाई इंटेंसिटी और उसके वजह से इनका एम्पीट्यूड भी बहुत बड़ा हो जाएगा ठीक है तो ये ध्यान दीजिएगा समझ में आ रहा गाइस ये सुनो सर गजब मजा आया क्या बात है धन्यवाद बाय दिव्या अरे दिव्या यहां पर मस्ती ना करो गाइस चलो मजा आ रहा है गाइस मजा आ रहा है कोई तो साइड मार रहा है, है? खूब कमी दिवस रही खूब जुरात अभ्यास करा बाकी सगड़ा गोष्टी इग्नोर करा मग बाहर जान अशोक कीवा अजून का ही कारण ती पूर्ण आयुष लिया है धन्यवाद क्या उच्च विचार है आपके धन्यवाद बेटा क्या नाम है नाम सिराल सो so स्वीट सर लव यू लव यू टू गाइज सबके सब सबको सब मैं लव करता हूँ भाई जितने मेरे बच्चे आई लव बिकॉज एज ए टीचर मैं अपने बच्चों को सबको प्यार करता हूँ और प्यार तभी मैं आपको बहुत अच्छा वाला करूँगा बड़ा वाला प्यार करूँ जब आपके अच्छे से रिजल्ट आएंगे ठीक है तो रिजल्ट के लिए आप अच्छा वाला पढ़ाई करो अरे स्टूड नो नॉट और जिसका ग्रेड नहीं आएगा उसको भी मैं प्यार करता हूँ इसी बात नहीं यार अगर सचिन तेंदुलकर के बहुत अच्छे ग्रेड आ जाते तो भाई इंजीनियर बन जाता डॉक्टर बन जाता बड़ा क्रिकेटर नहीं बन जाता तो जो होता है अच्छे के लिए होता है बस अपना करते रहो यार जो होगा देखा जाएगा ठीक है बट अपने साइड से करते रहो जितना होता है उतना करो हाथ से मत करो क्योंकि लिमिट ज्यादा करने पर बवाल हो जाता है जितना अभी कैपेसिटी करते जाओ जो, जो होने वाला हो रहेगा देखेंगे ठीक है चलो टू वे आर कमिंग ऑन सेम पॉइंट बट फ्रॉम डिफरेंट मीडियम हा हा मतलब लफड़ा वही है लेकिन अब यहां पर ऊपर ऊपर से नहीं अब नीचे से भी हो रहा है मतलब समझ में आ रहा है पहले से ऊपर ऊपर से चल रहा था लेकिन अब ऊपर नीचे दोनों चलने वाला है तब तो इसमें इस कंडीशन में क्या हो जाएगा देखो यहां से ऊपर से है यहां से नीचे से आ रहा है तो भाई यहां पर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये और ये आपस में मान लो जितना पावर से ये आ रहा है जितना पावर से ये आ रहा है उतना पावर से ये भी आ रहा है मान लो ये प्लस टेन लेके आ रहा है और ये माइनस टेन लेके आ रहा है तो ये जब ये आपस में एक पॉइंट पर मिलेंगे तो बताओ प्लस टेन और माइनस टेन कितना हो जाएगा रिजल्टेंट इनका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ठीक है तो ऐसा हो जाता है जब दो मतलब वे आपस में टकराते हैं लेकिन उप नीचु से ठीक है एक एक ऊपर से से नीचे तो वहां पर भाई गड़बड़ हो जाता है ठीक है वहां गड़बड़ हो जाता है और रिजल्टेंट क्या हो जाता है जीरो हो जाता है होल हो जाता है ठीक है नौ यहां पर इंटेंसिटी लो हो जाएगा मे बी वो जीरो हो जाएगा क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा ये सुनो समझ में आए क्या गाइस समझ में आए क्या काय तो पब्लिक समझ में आया क्या लौकर लौकर संगा 599 पब्लिक वाचिंग एंड 575 सेवेंटी फाइव थम्सम इज लुकिंग क्या क्या लगता है थाउजेंड का टारगेट पूरा होगा क्या हाँ यार कभी तो यार आज लास्ट दिन है किसका फिजिक्स पार्ट वन का तो उसको 1.5 मिलना चाहिए चलो गजब 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 क्या नाम है गौसिया खान धन्यवाद ओके माय मदर लेक्चर एंड एंजॉइंग अभी धन्यवाद बेटा धन्यवाद मम्मा को मेरा नमस्ते करना प्रणाम माता जी अगर आप मुझे देख रही हो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका बच्चा पढ़ाई जरूर करे और हमें फॉलो करे और मतलब पढ़ाई जबरदस्त करे उसका कल्याण हो ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव भाई यहां पर आया ठीक है चैप्टर का नाम क्या था सुपर पोजिशन ऑफ वेव यहां पर आया है सर अब तक क्या था अब तक सब भाई चैप्टर में लाने के लिए आपको सब भाई सब कुछ बेसिक बताया जा रहा था और जब बेसिक चीजें पता रहता ना फिर आपको चैप्टर में मजा आएगा क्या आएगा बच्चों मजा आएगा तो इसलिए बोलते हैं ना अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो सबसे पहले कहां पर काम करो उसके फाउंडेशन पे काम करो अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो कोई आपको जल्दी गिरा नहीं सकता मतलब आप उस चीज में क्या हो एक नंबर हो ठीक है अगर आपका बेस अच्छा नहीं है और आप सीधा बिल्डिंग बनाने लगे मतलब आपने नीचे न्यू नहीं डाला है बेसमेंट नहीं बनाया है और सीधा बिल्डिंग बना दिए हो तो बिल्डिंग ज्यादा दिन तक चलने वाला नहीं है एक भी अगर बड़ा हवा का झोंका या अर्थक्वेक आया तो बिल्डिंग धड़ाम से गिर जाएगा तो अब तक जो भी हम बातें कर रहे थे बेसिक बातें कर रहे थे चलो आ जाओ चैप्टर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर सुपर पोजिशन ऑफ वेव यहां पर है ओके सुपर पोजिशन ऑफ चैट ऑफ करो सर नहीं नहीं चैट ऑफ नहीं होगा कुछ बच्चे यहां पर डाउट भी पूछते हैं अपने मन की बात रखते हैं तो उनसे मुझे बात करना है आ, चलो सो गाइस हेमंत देखते रहो कुछ बच्चे अगर गलत चैट करते उनको फटाक से ब्लॉक कर देना ठीक है नाउ नोजिशन ऑफ वेव क्या होता है व्हाट वॉट मीन बाय सुपर पोजिशन ऑफ वेव पब्लिक व्हेन टू और मोर वेव आर मीटिंग एट सेम पॉइंट विथ सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी एंड एट सेम फेस एक्सेट्रा सो फॉर्म सुपर पोजिशन सुपर पोजिशन को एकदम चिरकुट भाषा में बताता हूं मैं आपको चिरकुट लैंग्वेज में सुपर पोजिशन मतलब क्या जब दो वेव आपस में एक पॉइंट पर मिलते हैं तो उन्हें कहते हैं सुपर पोजिशन है बहुत बच्चे इसको समझ ही नहीं पाते हैं मैं एकदम अच्छे समझा दिया एक एक सेंटेंस में समझा दिया वॉट डज इट मीन ऑफ सुपर पोजिशन ऑफ वेव गाइस वेद टू आर मीटिंग एट द पॉइंट सुपर पोजिशन तो कहलाएगा यहां सुपर पोजिशन और कहीं कहीं आपको सुपर पोजिशन को सुपर इंपोज भी कहते हैं क्या कहते हैं सुपर इंपोज भी कहते हैं कहते हैं ठीक है सुपर तो पोजिशन मतलब ये समझ लो जब दो वेव किसी एक पॉइंट पे मिलते हैं उन्हें सुपर पोजिशन कहते हैं ठीक है थीके? चलो और आगे बढ़ जाओ अब यहां पर सुपर पोजिशन जो हमने डेफिनेशन देखा है इसके बारे में थोड़ा सा एग्जाम्पल देखते हैं ठीक है इफ देखो इफ इफ मतलब अगर टू वेव इन सेम फेज अगर दो वेव मिलेंगे एक पॉइंट पर और वो एक भी एक सेम फेस पे आ रहे हैं एक सेम एंगल पे आ रहे हैं तो क्या होगा तो मान लो एक बेब ये दोनों एक दूसरे को पैरेलल चल रहे हैं पहले समझते हो मतलब जितने एंगल पे ये बन रहा है यहां पर उतने एंगल पे ये बन रहा है यहां पर जितने एंगल पे ये बन रहा है उतने एंगल पे नीचू ये बन रहा है उपू ये बन रहा है उसके उपू यही बन रहा है मतलब दोनों सेम टू सेम चल रहे हैं और अगर आपके दूसरे कोलाइड हो जाते हैं या फिर दूसरे साथ मर्ज हो जाते हैं अगर ऐसे वेव तो क्या होगा तो क्या होगा बेटा अगर ऐसे बेव सुपर इम्पोज होते हैं मतलब मिलते हैं क्या होते हैं बेटा मिलते हैं चलो मिलन की रात करते हैं इनकी मिलन की रात भी आएगी इंतजार कर आ जाओ तो, तो बेटा इधर इन लोग सुपर इम्पोज कर लेते हैं तो होगा क्या होगा तो ये इन लोग मिल जाएंगे इसके साथ मिल जाएगा इसके साथ मिल जाएगा इसके साथ मिल जाएगा इसके साथ मिल जाएगा तो मिलके इनका जो रिजल्टेंट रहेगा बड़ा बड़ा हो जाएगा ठीक है जैसे मान लो ये मान लो देखो ये अपने पास पांच रुपया लिया, लिया था ये अपने पास पांच रुपया लिया था ये अपने पास पांच लिया था ये सबके पास पांच पांच रुपए थे ठीक है अब क्या होगा पता है ये सब ऐड होंगे क्या होंगे बेटा ऐड होंगे क्या होंगे ऐड अगर ऐसा होता है ठीक है एड होके क्या हो जाएगा पांच पांच मिला के क्या हो जाएगा पता है पाँच पाँच मिला के डबल दस हो जाएगा ऐसा हो जाएगा मतलब बड़ा बड़ा वेब फॉर्म हो जाएगा ठीक है मतलब इंटेंसिटी हाई हो जाएगा ये समझ लो ठीक है तो ये आपको समझना था इंटेंसिटी क्या हो जाएगा हाई हो जाएगा और वेब बड़ा बड़ा बनने लगेगा ये हो जाएगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अगर इफ फिर से नया कंडीशन इफ दो अपोजिट आप समझते हो एक उप्पू से आ रही है और एक निच्चू से आ रही है ठीक है पहले पहले कैसा था पहले जैसा ये आता था वैसे एक और आता था लेकिन अब ऐसा हो गया बेटा एक उपू से आ रही है ऐसे 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 और एक नीचू से आ रही है ऐसे 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 तब क्या हो जाएगा तो लोग ऐसा बॉन्ड बना लेंगे क्या बना लेंगे बॉन्ड बना लेंगे और एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे और उनका बॉन्ड बनेगा तो ऐसा बनेगा चिपक जाएंगे चिपकू आंदोलन कर लेंगे चिपकता कौन है भाई चिपकता कौन है क्या कभी सेम सेम चिपकता है प्लस प्लस चिपकता है क्या नहीं चिपकता माइनस माइनस चिपकता है क्या नहीं चिपकता चिपकता कौन है प्लस माइनस चिपक जाते हैं ये चिपक जाते, है। चिपक जाते हैं चिपकू आंदोलन चालू हो जाता है लोग का ठीक है तो ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर ये मान लो ऊपर से आ रहा था प्लस ये नीचू सा था माइनस तो जो हम आपस में जब मिले तो ऐसा चिपकू आंदोलन हो गया अब उनका जो नया लुक रहा है ऐसा लुक दिख रहा है देखो दोनों चिपके हुए कैसा लग रहे हैं ठीक है तो हाउ इज लुकिंग गाइस ठीक है तो ये इनके दोनों का रिजल्टेंट है जब ये दोनों आपस में मिलते हैं सुपर इम्पोज करते हैं मतलब सुपर पोजिशन करते हैं सुपर पोजिशन मतलब होता है मिलना, सुपर का मतलब होता है दो वेव का मिलना ठीक उसे कहते हैं सुपर पोजिशन ठीक है तो जब ये आपस में मिलेंगे सुपर पोजिशन कैसे दिखेगा ऐसा दिखेगा ऐसा दिखेगा ठीक है तो इंटेंसिटी इनका थोड़ा लो हो जाता है मे बी जीरो हो सकता है भविष्य में एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे ठीक है ध्यान दीजिएगा चलो अब यहां पर आता है आपका स्टेशनरी वेव क्या होता है वॉट इज द मीनिंग ऑफ बेटा स्टेशनरी वेव ये स्टेशनरी वेव क्या होता है ठीक है आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना स्टेशनरी वेव क्या होता है आपको बताता हूं जब दो अपोजिट वेव यहां पर देखो देखो यहाँ पर दो अपोजिट वेव है उपू से आ रही है और एक नीचू से बवाल मचा रही है जब और नीचू का मेल होता है मतलब सुपर इम्पोजन होता है तो उनका लुक ऐसा दिखता है और ये दिखने में एकदम कैसा दिखते पता है ये दिखने में एकदम स्टेशनरी दिखते क्या दिखते हैं स्टेशनरी दिखते हैं क्या दिखते है बेटा स्टेशनरी दिखते हैं कैसा दिखते है बेटा स्टेशनरी स्थिर समझते हो ऐसा लगता है कि ये वेव एकदम स्थिर है स्थिर समझते हो स्थिर आदश थी और स्थिर स्थिर समझते हो स्टेडी क्या बोलते बेटा स्टेडी स्टेडी समझते हो रुके हुए रुके समझते हो रुके 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 समझते हो आप क्या आगे मतलब रुके वो हैं। मतलब समझ लो हैं लगता है कि उसमें कोई मोशन ही नहीं हो रहा है तो ऐसे वेव को हम क्या कहते हैं स्टेशनरी वेव कहते हैं स्टेशनरी वेव तब जब आपस में दो अपोजिट प्लस माइनस ऐसा आपस मिलते हैं तो खो जाते हैं और खो जाते हैं तो रुके ऐसा लगता है कि भाई इधर लगता है दो एक हो गया दो जिसमें जान हो गया कुछ पता नहीं चल रहा वहां पर तो यहां पर स्टेशनरी हो जाते दोनों

आज से वफा होगी ना वफा की बात होगी आज से वफा होगी ना वफा की बात होगी और अगर गलत बात है मुझसे मत बुलवा सब चीज हाँ। हेलो ओके मजा आ गया सर मजा रहे गाइस समझ में आए क्या गाइस ए गाइस हे हेलो 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 गाइस हेलो गाइस चैप्टर से प्यार हो रहा है चैप्टर से प्यार हो रहा है आप लोग को क्या क्या गुंडा यार? <laughs> धन्यवाद. क्या गुंडा बनोगे बनोगे यार, धन्यवाद, तुम लोग, हा? अब तो ठोक नहीं पाए तुम लोग न्यू कितना ठोके तुम लोग अरे भाई हो, सिक्स फिफ्टी टू हो गया मतलब लग रहा है थाउजेंड प्लस पब्लिक थाउजेंड प्लस थारे भाई को थाउजेंड प्लस सही अब आपके ऊपर भाई अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो कर देने का चलो समझा इतना गाइस चलो अब हम लेंगे किसकी स्टेशनरी वेव की एकदम राक्षिक तरीके, तरीके से ठीक है समझ के लेंगे क्या लेंगे बेटा समझ के लेंगे स्टेशनरी वेव ठीक है स्टेशनरी वेव मतलब इसको लिखते हैं मेरा हिंदी थोड़ा देखना स्थिर स्थिर वेव स्थिर वेव मतलब होता है स्टॉप स्टॉप्ड वेव मतलब ये वेव आपको दिखने में कैसा लगेगा ये वेव आपको दिखने में रुका हुआ लगेगा लेकिन रुका नहीं रहता है लगना है देखो लगना और होना अलग होता है ठीक है अब आपको लगता है सर बहुत नोटी होंगे लेकिन मैं बहुत सीरियस भी हूं दिस इज माय नॉट रियल लाइफ हाँ दिस इज माय कैमरा लाइफ रियल में मैं कुछ अलग रहता हूं ठीक है तो कुछ सी चीज होता है ना दिखने में कुछ और लेकिन अलग से कुछ होता है ठीक है तो भाई ये जो स्टेशनरी वेव जिसको हम लोग स्टेशनरी बोल रहे हैं दिखने में तो हमें स्टेशनरी लग रहा है लेकिन आप कुछ ही मुची चालू रहता है मतलब वहां मोशन चालू रहता है लेकिन वो मोशन इतना रापस तरीके से होता है कि आप जल्दी इसको पता नहीं कर पाओगे कुछ हो रहा है हा? सच्ची में हो रहा है अरे मैं तो देखा ही नहीं इतना खतरनाक तुम लोग कर रहे हो कुछ हाँ हा? <laughs> मतलब वहां होता रहता है लेकिन लगता नहीं है कि हो रहा है लेकिन होता रहता है ठीक है वो आपस में काम होता रहता है मतलब वेव यहाँ से हाँ यहाँ से हाँ यहाँ से यहाँ ऐसे 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 ज्यादा रहता है ठीक है होता रहता है जो होने वाले ठीक है तो लगता है स्थिर लेकिन वो स्थिर नहीं रहता और लोग बवाल मचाए रहते पब्लिक ठीक है तो इसको स्थिर इस मत समझना लेकिन स्थिर दिखते हैं अब दिखते हैं तो उन्हें स्टेशनरी तो कहना पड़ेगा चलो आ जाओ गाइस ओके सर आप फिजिक्स पार्ट टू सिखाओगे ना अरे हाँ भाई विश्वास रखो ठीक है कोई भी चैप्टर फोड़ेंगे यार अपने को डर नहीं अपने को बस लेना आता है समझा जो डर गया वो घर गया चलो स्टेशनरी वेव क्या होता है गाइस चलो तो बता दिया मैंने स्थिर होता है 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 जो लुका हुआ दिखता ठीक थोड़ा तो अंग्रेजी देख लेते हैं अंग्रेजी में क्या झाड़ रही है अंग्रेजी में क्या झाड़ता है सो दैट देयर सुपरपोजिशन अंडर बहुत अंग्रेजी झाड़ यार हाँ इतना अंग्रेजी में तो कभी पढ़ा नहीं कहां पहुंचा था हा आ, of a medium in a opposite direction so that their superposition under the certain condition creates a stationary interference pattern called as stationary or standing wave इसे standing wave भी कहते हैं क्या कहते हैं standing wave भी कहते हैं अगर exam में ऐसा आता है क्या आता है state and explain stationary wave और standing wave भी आ सकता है क्या ऐसा आ सकता है standing wave के बारे में explanation करो ठीक है ऐसा भी आ सकता है स्टैंडिंग स्टैंडिंग वेव और स्टेशनरी वेव दोनों एक ही होता है एक ही बंदे का दो नाम जैसे मेरा नाम अजय दुबे लेकिन प्यार से बच्चे लोग मुझे अज्जू सर भी कहते हैं तो वैसे कुछ समझ लो किसका नाम है एक्चुअली स्टेशनरी वेव लेकिन प्यार से इसको स्टैंडिंग वेव कहते हैं स्टैंडिंग वेव इसलिए कहते हैं क्योंकि रुका हुआ लगता है स्टैंड है एकदम ऐसा लेकिन वो मोशन करता रहता है हिता, लेकिन आपको पता नहीं चलता है तो स्टैंडिंग वेव मतलब क्या होता है जब दो अपोजिट वेव जिसके पास सेम वेलोसिटी हो और सेम 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 डिस्प्लेसमेंट हो हो और हो एम्पलीट्यूड और और फेज आके एक एक दूसरे को पॉइंट टकराते हैं तो वहां पर वो वेव कुछ ऐसा वेव बन जाते हैं कैसा ऐसा, ऐसा बन जाते हैं ऐसा ऐसा वेव बन जाते हैं ऐसा, 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 ऐसा कब होंगे जब ऊपर से आएगा पॉजिटिव वेव और एक निगेटिव वेव मतलब जब दो अपोजिट वेव एक पॉइंट पे आके टकरा टकरी करते हैं तो उनका लुक कुछ ऐसा लगता है और उसी लुक को हम क्या कहते हैं इसको क्या नाम दू स्टेशनरी वेव नाम देंगे क्या वेव नाम देंगे स्टेशनरी वेब नाम देंगे ठीक है तो आपका जो अंग्रेजी झाड़ा है वही झाड़ा है जो मैं आपको बता दिया सिंपल भाषा में बताया ठीक है तो समझना है आप थोड़ा तो इसकी लेते अच्छे से भाई यहां कुछ बोल रहा है ठीक है अब यहां पर कुछ समझने वाली बातें बेटा यहां पर ध्यान समझिएगा ठीक है यहां पर थोड़ा सा करेक्शन भी उसको करेक्शन भी कर लीजिए गलती से राइटिंग प्रिंटिंग हो गया मिस्टेक हो गया सबसे पहले ये डिस्टेंस बिटवीन ए और एन ये जो होता है इसको मत लिखो ये रॉन्ग है लेमडा बाई फोर होता है करेक्शन कर लो दिस इज करेक्शन ठीक लेमडा बाई फोर आएगा मिस्टेक गलती से ठीक है तो ए और एन मतलब समझते हो ए मतलब होता है एनॉड क्या होता है एनॉड नहीं एनॉर्ड मत बोलो ये तो मैं कहा पहुंच गया सा मैं लाइट की दुनिया में पहुंच गया एनॉर्ड नहीं एनॉड मत बोलो हाँ इसको बोलो एंटी नॉट क्या बोलो एंटी नॉट ठीक है और एन को बोलो नॉट क्या बोलो नॉट ठीक है एंटीनोड और नॉट एन मतलब देखो ए मतलब होता है एंटीनोड और एन मतलब होता है नॉट तो ए और एन के बीच का दूरी होता है डिस्टेंस बिटवीन एंटीनोड और नॉट के बीच का दूरी जो होता है लेमडा बाई फोर होता है क्या होता है लेमडा बाई फोर ये याद कर लो ये लिख के ले लो लिख के ले लेना ठीक है हमेशा ध्यान देना ऑलवेज रिमेंबर यू गाइज क्या द डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड इज लेमडा बाई फोर ना कि लेमडा बाई टू ये गलती से लिखा हुआ है करेक्शन कर लीजिएगा ठीक है ये 4 होता है अच्छा सर ये एंटी नोड और नोड बनते कहां पर हैं देखो मैं बताता हूं ऐसा बे बना ऐसा बे बनाना ऐसा बे बनाना ठीक बना है जहां पर बे एक दूसरे को काटते हैं भाई अगर कोई साथ में आते हैं तो एक दूसरे को काटते भी हैं ठीक है, है? बहुत लोग कट भी जाते हैं ठीक है <laughs> तो भाई कटना नहीं है देखो तो यहां पर जब कटते हैं तो कट रहा है इसका यहां कट रहा है इसका भी कट रहा है यहां पर इसका भी कट रहा है जहां जहां इसका कट रहा है ना उसे नॉड कहते हैं क्या कहते हैं बेटा नॉड कहलाएंगे दिस इज नॉट और जहां कटिंग ना हुएंगे जहां पर जब फ्लो हुएंगे मजे मजे लेंगे उसे कहेंगे एंटी एंटीनॉट ये आपका एंटी एंटी एंटीनोड एंटी एंटीनोड ये आपका एंटी नॉड है ठीक है इसे एंटी एंटीनोड कहते हैं बेटा फुला हुआ ठीक है लेकिन यहाँ पर चिपका चिपकी करिंग, उसे नॉट कहीं क्या कहेंगे नॉट कहीं ठीक है समझा बेटा उसे नॉट कहते हैं सुनो गाइस गाइस एक सेकेंड मुझे थोड़ा मैसेज आ रहा है क्या मैसेज आ रहा है ओके गाइस अगर अज्जू सर है तो फिजिक्स का सब्जेक्ट तो हलवा लगने लगा धन्यवाद बेटा आपका कॉम्प्लीमेंट सराखो पर चलो मजा आ रहा आस मजा आ रहा है क्या मजा आ रहेगा इस जो आप लोग प्यार मोहब्बत चैटिंग में दिखाते हो मेरे प्रति यार कमेंट में नहीं दिखाई देते कमेंट करना भूल जाते हो क्या गजनी में लग जाता है गजनी वाला मूवी देख के रखे हो क्या ऐसे गजनी में क्या था आमिर खान हर पंद्रह मिनट बाद भूल जाता था अजू सर की हा ऐसा लगता है आपको अजय सर की बातें भूल जाते हो चैटिंग में बहुत मस्त मा क्या बोलते ना क्या बोलते हैं मस्त का पानी लगाते हो नहीं चैट मतलब लेक्चर के बाद अज्जू सर को ऑन भूल जाओ हाँ सिर्फ अज्जू सर की पाँच बजे याद आते हैं कि लेक्चर आने वाले चलो अज्जू सर को देख ले अरे कॉम्प्लीमेंट दो यार देखो क्या मेरे बच्चे क्या सोचते हैं मेरे बारे में चलो ओके गाइस धन्यवाद धन्यवाद सर आप डेली वैसे को स्किप कर रहे हो वाइड गेमिंग बेटा देखो मैं क्या बोल रहा हूं दो घंटा है दो घंटा ठीक है दो घंटे में सब कुछ पॉसिबल नहीं है या आपको किसी भी वन शॉट में नहीं मिल सकता ठीक है वो बहुत लेंदी हो जाएगा क्योंकि हमारे पास दूसरा भी काम रहता है इसके बाद हमें दूसरा लेक्चर लेना है वेदांतों पर मैं लेक्चर लेता हूं साइड में ठीक है तो मेरा सेशन रहता है बेटा तो लंबा खींचूंगा तो हाँ मैं लेट हो जाता हूँ ठीक है तो हर चीज आपको नहीं दे सकते लेकिन हाँ हमारे से जितना बेस्ट हो सकता है बेस्ट रिक्वेस्ट करते यार वो बोलते ना यार कोई मतलब अगर कोई बुराई ढूंढना चाहे तो बुराई ढूंढ सकता है ठीक है जैसे कि मान लो अगर मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं बुराई देखने वाले कैसे ढूंढते आपको दिखाता हूं एक एग्जाम्पल देता हूं जिसको को नेगेटिव ढूंढना रहता है ढूंढ लेता है दिखाता हूं कैसे ढूंढेगा एक सेकेंड आज भाई सब कुछ लिखा हुआ कैसे दिखाई देगा आपको चलो कोई बात नहीं बाद बता दूंगा लेकिन यार कुछ पॉजिटिव हो यार सर को नोट्स बनाना पड़ता है सर को सब डिलीवर करना पड़ता है सर को आपको कंटेंट डिलीवर करके समझाना भी है आप मेरे को जो देख रहे हैं जरूरी है कि सबके सब नाइन्टी सब वाले बच्चे देख रहे हैं कुछ ऐसे बच्चे मुझे देख रहे हैं जो मुझे मेरी आवाज को सुन के पास हो जाएंगे वो पास होने के लिए मुझे देख रहे हैं तो मुझे वो तरीका मुझसे सीख रहे हैं वो बेसिक बातें मुझसे सुनना चाहते हैं शायद कुछ बच्चे होंगे जिनको बेसिक बातें मेरी समझ में ऑलरेडी उनको पता होगा लेकिन कुछ बच्चे ऐसे उनको बेसिक बातें नहीं पता होगा तो उनके लिए मुझे बेसिक बातें भी बताना पड़ता है तो मुझे सबको रिगार्ड में, में रख के पढ़ाना पड़ता है क्योंकि यहाँ पर जीरो बच्चा है और हीरो बच्चा दोनों है तो मुझे ज्यादातर टारगेट मेरा हीरो को हीरो नहीं बनाना है हीरो अपने आप हीरो बन जाएगा अगर उसको मेरा गाइडेंस पसंद आएगा तो लेकिन मेरा टारगेट यहाँ पर है जीरो को हीरो बनाना और वही मैं बनाने आता हूँ माई टारगेट इज टू मेक जीरो टू हीरो तो मुझे वो टारगेट करना है जो बच्चा फेल हो रहा है मुझे उसको पास कराना है ठीक है जो बच्चे 95 का सपना देख रहे हैं मैंने बता चुका हूं इसको एज ए रिविजन लो आपका वन शॉर्ट से भरा नहीं होने वाला वन शॉर्ट देखो और इसके रेगुलर वीडियोस देखो जो कि आपको न्यू इंडियन एरा इंडिया नेराबर प्रशासन ने अपलोड किया होगा ढूंढो जरा आपको मिल जाएगा अगर आपको 95 परसेंट चाहिए तो थोड़ा मेहनत करो जाके प्ले लिस्ट पर ढूंढो आपको मिल जाएगा अब हर चीज बताएंगे क्योंकि दस घंटे का टॉपिक को दो घंटे में एडिट करके कैसे बताना सोचो इट नॉट मुमकिन लेकिन जितना हो सकता है आपको बेस्ट देंगे विश्वास करो और मजा करो चलो तो यहां कुछ बता रहा था बेटा

और जहां पर नहीं मिलते उसे एनोड कहते हैं एंटी नोड कहते हैं एंटी नोड कहते नोड कहते हैं और ध्यान दीजिएगा एक चीज ध्यान दीजिएगा क्या ध्यान दीजिएगा कि नोड एंटी नोड के बीच का दूरी होता है नोड समझते हो जैसे कि एंटी नोड और नोड के बीच का दूरी है लेमडा बाई फोर रहेगा लेमडा बाई फोर लेमडा बाई फोर रहेगा ठीक है और नोड और नोड नोड और नोड या फिर एंटी नोड और एंटी नोड का जो बीच का दूरी रहेगा लेमडा बाई टू रहेगा क्या रहेगा लेमडा बाई टू ये चीज ध्यान दीजिएगा नोड नोड के बीच का दूरी है. मतलब इस नोड से इस नोड या फिर इस एंटी नोड से इस एंटी नोड का बीच का दूरी रहेगा रहेगा लेकिन एंटी नोड और नोड या फिर नोड एंटी नोड का जो दूरी रहेगा हमेशा ध्यान दीजिएगा लेमडा बाई फोर रहेगा क्या रहेगा लेमडा बाई फोर रहेगा इसको याद कर लीजिए ठीक है बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये चीज याद कर लीजिएगा ठीक है दिस इज इंफॉर्मेशन फॉर यू चलो क्योंकि ये वेव एक जैसा चलते हैं देखो यहां पर कुछ दिखा है भाई ये सब कोई देखा है? कोई ऐसा नोट्स आपको कभी मार्केट में दिखा तो मुझे बता देना जो ये सब भी लिख के देता हूं ऐसा हो, ऐसा कोई बता देना अगर आपको मिल गया है कहीं से तो मुझे इसका ना मेरे टेलीग्राम पर लिंक भेज देना मैं देख लूंगा सच्ची बता रहा हूँ हर चीज आपको मैं जब नोट्स बनाता हूं तो मैं 95 परसेंट का चेहरा देख के नहीं बनाता हूं मैं उस बच्चे का चेहरा देख के बनाता हूं जो बच्चा अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है लेकिन उसको अज्जू भाई पूरा विश्वास है कि इनका लेक्चर देखूंगा तो मैं एटलीस्ट पास हो जाऊंगा और भाई जहां फेल हो रहा है वो पास हो जाएगा तो उसकी खुशी क्या होगी जरा खुशी क्या होगी उसकी और जो 95 चाहते हैं उनके साथ मेरा सपोर्टर को फुल गाइडेंस है बेटा आप वन शॉर्ड देखो उसके बाद आप रेगुलर देखो डेफिनेटली आपका 100 परसेंट रिजल्ट आएगा दिस इज माय प्रॉमिस फॉर यू ठीक है चलो तो क्योंकि ये स्टेशनरी वेव क्योंकि ये वेव एक जैसा चलते हैं इसलिए हमें स्थिर नजर आते हैं मतलब मान लो कभी ऐसा हुआ है कि आप एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हो और उसी के ट्रैक के बगल में दूसरा ट्रेन आ गया है जितना ट्रेन का स्पीड आपका है उतना ही ट्रेन का स्पीड बगल वाले ट्रेन का है और दोनों कुच्छ कुछ कुछ चल रहे हैं तो ऐसा आपको लगेगा अरे हम लोग सर हम लोग रुके हैं कि चल रहे हैं यार समझ में नहीं आ रहा है ठीक है तो क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है तो आपको लगेगा और रुका है वो आपको उसको लगेगा आप रुके हो मतलब दोनों दूसरे को रुके हुए लगे हुए ऐसा होता है कभी सर ट्रेन में देखना ठीक है तो क्योंकि दोनों का स्पीड सेम है और एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो तो आपको ऐसा प्रतीत होगा कि भाई यहां पर भाई ऐसा लग रहा हम चल ही नहीं रहे ठीक है तो ऐसा होता है कभी आपने देखा भी होगा देखा होगा तो कमेंट जरूर करना यहां पर ठीक है चलो अब अगला टॉपिक आता है बेटा फ्री वाइब्रेशन क्या आता है बेटा फ्री वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन ठीक है मजा आ रहा है मजा आ रहा है? मजा आ रहा है अरे हा ना बोलो यार थैंक यू सर फॉर योर एफर्ट बच्चा हो तो ऐसा सर के एफर्ट को सलाम करता है मैं भी आपको धन्यवाद करता है धन्यवाद बेटा अज्जू भाई फ्री फायर लवर टोटल गेमिंग धन्यवाद आई लव मजा आ गया सर हा सर वंस अगेन ओके अज्जू भाई फ्री लाइफ फाइन गाइस मजा आ रहा है गाइस मजा आ रहा है मजा आ रहा है चलो मैं यही बोलूंगा बेटा बहुत बच्चे मुझे कमेंट करते हैं बहुत बच्चे मुझे व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे कहीं ना कहीं मैसेज करते हैं ये जानना चाहते हैं उनके दिमाग में ये चल रहा होता है सर अब तक तो मैंने कुछ पढ़ाई नहीं किया है तो वो अगर मुझे बच्चे देख रहे हैं क्योंकि मैं सबको रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं लेकिन हाँ सब बच्चों को रिप्लाई देने की पूरी कोशिश मैं करता हूं ठीक है और यही मैं बोलूंगा बेटा देखो अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो अब तक आपको कुछ जानकारी नहीं था तो आपको यही बोलूंगा कि आप वन शॉट लेके चलो आप पास हो जाओगे लेकिन जिसका तमन्ना है सर मुझे 95 फाइव जाना है कुछ या फिर एट्टी प्लस जाना है सेवेंटी प्लस जाना है

बहुत सा एक्टिविटी रहते बेटा लेकिन मैं आपके मैसेज को देख के मैं आपको बता रहा हूँ बहुत लोग का ही कहना है कि सर क्या प्लानिंग करें तो मैं आपको यही बोलूंगा प्लानिंग यही है कि अगर आप 95, फाइव एट्टी या 70 प्लस सपना देख रहे हो तो वन शॉर्ट पहले देखो वन शॉर्ट में आपको चैप्टर का 70, 60 परसेंट क्लियर हो जाएगा अब रेस्ट आपको 100 परसेंट बनाना है क्योंकि वन शॉर्ट देख के आप 100 परसेंट नहीं बना सकते क्योंकि वन शॉर्ट में दो घंटे में सब कुछ डिलीवर नहीं हो सकता ये आप समझ लीजिए ठीक है इसको लेकर नेगेटिव मत होइएगा और अगर आप हंड्रेड परसेंट माना चाहते हो तो इसको देख के आप रेगुलर वीडियो देख लीजिए अगर आपको न्यू इंडियन एरा पर मिल रहा है तो अच्छी बात है अगर कहीं और मिल रहा है तो वहां पर जाके देख लीजिए आपका काम बढ़िया हो जाएगा भगवान आपका भला करेंगे आपका अच्छा नंबर आ जाएगा बस प्रैक्टिस करिए और कॉन्फिडेंट रहिए अपने कंटेंट पर अपने हार्डवर्क पर क्योंकि तो हार्डवर्क ही एज अ की है हार्डवर्क इज द की ऑफ द सक्सेस आप हार्डवर्क करिए तीन महीने बाद आपका रिजल्ट बहुत बढ़िया आएगा बस फोकस करिए कि मुझे वन शॉट के साथ रेगुलर को देखने ना है तो वन शॉट प्लस रेगुलर इक्वल टू हंड्रेड परसेंट रिजल्ट और उसको प्रैक्टिस करिए बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट जब तक प्रैक्टिस में लाओगे तब तक उसमें परफेक्ट हो गई नहीं सिर्फ बोलने और सोचने से नहीं होता अपनी सोच को अपने कार्यों में लाओ उसको प्रैक्टिस में लाओ प्रैक्टिस में लाओगे तभी उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा इफ़ यू टू बिकम सक्सेसफुल मैन यू विल हैव टू प्रैक्टिस हार्ड हर एक सक्सेसफुल मैन के पीछे प्रैक्टिस होता है हमें सक्सेस तो दिखाई देता है लेकिन सेक्रीफाइस नहीं दिखाई देता है तो हमें सेक्रीफाइस की बात करना है कि आपका सेक्रीफाइस यह है कि आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी जो कर रहे हो व्हाट्सअप इंस्टाग्राम उसको फिलहाल बंद करो कभी चालू करो जब आपको कुछ काम रहे और दूसरी बात आप पूरा डेडिकेशन के साथ तीन महीना सिर्फ तीन महीना आप क्या करो फुल्ली डेडिकेट हो जाओ अपनी पढ़ाई की तरफ तीन महीने के बाद मैजिक हो जाएगा आपके साथ ये तीन महीने का मेहनत आने वाला आपका चालीस साल पचास साल एकदम हसीन बना देगा जब भी आप याद करोगे तो आपको लगे हाँ मैंने बहुत अच्छा पढ़ाई किया था मेरे अच्छे नंबर आए थे उस नंबर के वजह से मैं आगे बढ़ा इंजीनियर बना डॉक्टर बना आज मैं बिजनेस मैन हूँ और ऑल क्रेडिट गो टू माई मॉम डैड एंड माई टीचर ठीक है चलो फ्री वाइब्रेशन क्या होता है फ्री वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन टेंशन मत लो आज में जो लास्ट लेक्चर तक रहेगा अगर ये फाइव हंड्रेड देख रहे आज जब मैं लेक्चर को वाइंड अप करूंगा तो अगर मैं देखूंगा फाइव हंड्रेड पीपल्स आर स्टिल वॉचिंग टू मी ठीक है तो मैं आपको आज एक टाइम टेबल दूंगा अगर आपको मेरा थारा भाई का टाइम टेबल चाहिए एकदम मस्त और ट्रिके टाइम टेबल चाहिए फैंटास्टिक टाइम टेबल चाहिए मेरे द्वारा और मेरे तरीके से जो फॉलो करना चाहते हो तो बने रहिएगा लेक्चर के एंड में मैं आपको जरूर बताऊंगा ठीक है कसम से बताऊंगा बस बने रहिएगा अगर आप फाइव से नीचे हो जाएंगे तो मैं स्किप कर दूंगा फिर अगली बार बताऊंगा डिपेंड करता आप है आप कब टाइम टेबल लेना चाहते हो चलो एनी पार्टिकल और बॉडी वाइब्रेट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स इज कॉल्ड फ्री वाइब्रेशन क्या कहते हैं बेटा फ्री वाइब्रेशन कहते हैं फ्री वाइब्रेशन क्या होता है बेटा फ्री वाइब्रेशन ये आपका टॉपिक का कंसेप्ट है मतलब वन वंश में समझते हो वन शॉर्ट जो होता है चैप्टर के बारे में पूरा आपको खोल के रख देता है चैप्टर में है क्या चैप्टर का आपका फटाफट आपका समरी बता देता है जैसे कि मान लो आप मूवी देखने जाते हो तो मूवी का कहानी समझने के लिए आपको तीन घंटा लगता है समझे लेकिन जब कोई मूवी देख के आ जाता है और स्टोरी जब आपको मूवी का बताता है तो क्या तीन घंटा वो टाइम लेता है बताने में विद इन पांच मिनट के अंदर आपको पूरा स्टोरी बता देता है ये सोनो तो क्या वो हर चीज बताता है कि अब सलमान खान आने वाला है सलमान खान ऐसे आ रहा है फिर एक कदम लिया है फिर एक कदम लिया है फिर एक कदम लेके गया घड़ा मारा है उसको फिर जाके ऐसे गिरा खाप घप गिरा है आप हर चीज़ बताते हो क्या नहीं नहीं स्टोरी लाइन बता देते हो ऐसा ऐसा हुआ फिर ऐसा उसको मारा उसको सपटाया उसको लेके भागा उसको ऐसा गया उसकी नेप के उसको लेकर छुड़ाया चैप्टर खत्म हो गया तो भाई जो वन साढ़ होता है वो उसका समरी बताता है होता है समरी तो चैप्टर का समरी है जिसको देख के जो बच्चे फेल हो रहे हैं वो पास हो जाएंगे इसको देख के आप सिक्सटी परसेंट तो कहीं नहीं गया सिक्सटी परसेंट कहीं नहीं गया लेकिन आगे उसको हंड्रेड परसेंट बनाना चाहते हो तो प्लीज रिक्वेस्ट करता हूं रेगुलर वीडियोज अगर आपके यहां पर अपलोड है चैनल पर उसको वॉच करो आपको जरूर हंड्रेड रिजल्ट आएगा जरूर आएगा मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं कुछ लोग तो गुमराह करते गुमराह नहीं करूँ बिकॉज मुझे आपके भविष्य का टेंशन है आपका हंड्रेड आना चाहिए तो इसके लिए थोड़ा और बढ़ाओ ठीक है फ्री वाइब्रेशन क्या बेटा फ्री वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन फ्री वाइब्रेशन क्या होता है फ्री वाइब्रेशन मतलब जैसे कि मान लो घंटा है क्या घंटा मंदिर का घंटा ठीक है और मंदिर का घंटा जो है बिना हमने टर्न किए अपने आप टर्न हो रहा है मतलब मान लो कोई मंदिर है और या मंदिर का जो घंटी लगाता है ठीक है जो मंदिर का घंटी रहता है वो हम लोग टर्न करते हैं टन 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 टप टन टन करता है ना तो हम जबरदस्ती हम उसको बजा रहे हैं तो वो जो वाइब्रेशन हो रहा है वो फ्री वाइब्रेशन नहीं अगर हम बजा रहे हैं हम बजा रहे हैं हैं ऐसा कर रहे तब वो वाइब्रेट हो रहा है तब वो फ्री वाइब्रेशन नहीं होगा हम यहां पर बजा ही नहीं रहे लेकिन घंटी बज रहा है अपने आप भगवान चमत्कार हो गया भगवान चमत्कार हो गया ठीक है ऐसे पिक्चर में देखा होगा आप लोगों ने भगवान है भाई ठीक है आई मैं फॉलो करता हूं आई फॉलो एवरी रिलीजन देखो तो कभी कैसे ऐसा मूवी होता है कि जब ऐसा होता है कि इसे दिखाया जाता है कि गॉड गॉड की एंट्री हो गई है तो घंटी अपने आप बजने लगता है मतलब हम उसको बजाते नहीं फिर अपने आप बजने लगता है जब मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर कहीं वाइब्रेशन हो रहा है वहां बिना फोर्स के वाइब्रेशन हो रहा है मतलब आपको वो फोर्स का कोई जानकारी नहीं है और ये फिर भी वाइब्रेशन हो रहा है तो वो जो वाइब्रेशन होता है फ्री वाइब्रेशन कहलाता है एनी पार्टिकल और बॉडी वाइब्रेट विदाउट द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स मतलब घंटी बज रहा है लेकिन मैं बजा नहीं रहा हूं ना कोई बजा रहा कोई नहीं बजा रहा अपने आप बज रहा है तो उसे कहते हैं फ्री वाइब्रेशन अपने आप से बजना ठीक है ऑटोमेटिक जो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन कर लेता है ठीक है उसे कहते हैं फ्री वाइब्रेशन क्या कहते हैं बेटा फ्री वाइब्रेशन कहते हैं क्या कहते हैं फ्री वाइब्रेशन ठीक है

तो मुझे घंटी अपने आप बजाना पड़ेगा मतलब खुद से जा। क्या करूंगा टन टन बजा के ऐसा करूंगा ठीक है करना चाहिए सबको भक्ति का पूजा करना चाहिए माता जी का पूजा करना चाहिए सबको अपने अपने भगवान पूजा करना चाहिए जिसको आप मानते हो ठीक है तो बेटा ध्यान दो मतलब यहाँ पर मैंने घंटी बजाया तब वाइब्रेशन हुआ तो जब कोई फोर्स लगाने पर वाइब्रेशन होता है तो उसे कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन क्या कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन दैट्स कॉल्ड फोर्स वाइब्रेशन मतलब कोई वाइब्रेशन के वजह से मतलब कोई फोर्स के वजह से उसमें वाइब्रेशन क्रिएट होता है तो उसे कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन जो क्या लिखा है एनी पार्टिकल और बॉडी वाइब्रेट विद द हेल्प ऑफ एनी एक्सटर्नल फोर्स वो विदाउट हेल्प था यह हेल्प के साथ है उसे कहते हैं फोर्स वाइब्रेशन ऐसे मान लो एग्जाम्पल दिया गिटार क्या दिया है गिटार मेरे दिल में बजेंगे तार तार गया ठीक है तो गिटार है गिटार से अगर आपको मेलोडी वाइज सुनना है तो मस्त वाला हम मिले कि जादू हो गया ठीक है तो वहां पर जो टन 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 तो बसता है ना अपने आप बचता है क्या नहीं हमें वहां पर छेड़छाड़ करना पड़ता है इसे टन 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 ऐसे करना पड़ता है ना तो वहां पर फोर्स वाइब्रेशन हम फोर्स दे रहे हैं तभी वहां पर टन टन की आवाज आती है मतलब वाइब्रेशन होता है गिटार में तो उसको हमें क्या देना पड़ता है फोर्स देना पड़ता है और फोर्स देके अगर गिटार बजेगा तो वो फोर्स वाइब्रेशन कहलाएगा ठीक है अगर अपने आप बजने आप, आपके कमरे में गिटार रखा हुआ है और गिटार अपने आप बज रहा है आप कमरे में आ, आ, मम्मी कोई भूत है यार। ये आपको कोई भूत आ गया फिर अगर ऐसा अपने आप होने लगे तो भाई हमें भी लगेगा भूत ऊत आ गया है ठीक है तो ऐसा कुछ हो जाएगा सबको समझ में आ है इस रात में आओ आप चैट पर ए भाई किसको बुला रहे हैं भाई लक्की लक्की द रेसर सर गलत बात है चैटिंग के लिए किसको बुला रहा है सर आज आप बहुत जोश में हो धन्यवाद बेटा क्योंकि तो भाई आज यार मैं इमोशनल भी हूँ और जोश में भी हूँ इमोशनल इसलिए हूँ क्योंकि आज हमारा फिजिक्स का फिजिक्स वन का सुहा हो रहा है ठीक है लेकिन जोश में इसलिए भी हूँ क्योंकि तो फिजिक्स टू स्टार्ट होने वाला है ठीक है सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो धन्यवाद एक्चुअली आप अच्छे से ध्यान देते हो मैं अच्छा देखो हर टीचर अच्छा पढ़ाता है देखो मैं अच्छा नहीं पढ़ाता हूँ मैं तो अपना काम करता हूँ बिकॉज दिस इज माई मैथड एंड दिस इज माई टीचिंग स्टाइल आप मुझे अच्छे से सुन रहे हो आप मेरी बातों को ऑब्जर्वेशन में ले रहे हो इसलिए मेरी चीजें अच्छी लग रही है आपकी आइस को आपके कॉन्सेंट्रेशन को कॉन्सेंट्रेशन को मेरा सल्यूट है इसलिए आपको मेरा हर चीज़ अच्छा लग रहा है धन्यवाद चलो चलो आगे बढ़े गाइस आगे बढ़े ओके सर आप एक्टिंग मस्त करते हो धन्यवाद ओके गाइस चलो वेरी गुड वेरी गुड मजा रहा सेवन नाइनटी सिक्स यार क्या गुंडा बनोगे यार आप लोग हाँ ऐसे गुंडा बनोगे आप लोग सेवन नाइनटी सिक्स पब्लिक थम्स अप मारिंग हाँ हाँ चलो आगे अगला है अपना रेजोनेंस है क्या है रेजोनेंस अगला है रेजुनेंस ठीक है अब रेजुनेंस क्या होता है रेजुनेंस एक टाइप का जादू है यस <laughs> yes, बच्चे क्या होता पता है पता बच्चे हमेशा रेजुनेंस में तकलीफ में रहते हैं मतलब वो कंफ्यूज हो जाते हैं रेजुनेंस समझ नहीं पाते हैं आज रेजुनेंस थारा भाई समझा के देगा ठीक है रेजुनेंस मतलब क्या होता है देखो क्या लिखा है वेन वन ऑब्जेक्ट वाइब्रेटिंग एट द सेम नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकेंड ऑब्जेक्ट फोर्स सेकेंड ऑब्जेक्ट इन टू वाइब्रेशन मोशन सर बहुत खतरनाक अंग्रेजी है ये अंग्रेजी से अंग्रेज लोग को समझ में आ सकती है सर आप अपनी अंग्रेजी बताओ जो हम लोग को मजा आ जाता है सुन के ठीक है बताता हूँ बताता हूं मैं आपके लैंग्वेज में बताऊंगा ठीक है क्योंकि मेरा टारगेट यार हर जीरो जो निराश हो चुका है जो पूरी तरह से टूट चुका है जो पढ़ाई से पूरी तरह से दूर हो चुका है लेकिन फिर भी लेक्चर देखने के बाद उसके अंदर एक उम्मीद जग गई है कि भाई मैं पास हो सकता हूं तो थारा भाई ऐसे बच्चों को जरूर मदद करेगा कि मेरे बच्चे पास हो जाए क्योंकि भाई मेरा टारगेट वही हमारे न्यू इंडियन एरा का टारगेट है हंड्रेड रिजल्ट हंड्रेड रिजल्ट मतलब यह होता है कि जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं सबके सब पास हो जाए ठीक है दिस इज कॉल्ड हंड्रेड परसेंट रिजल्ट और टारगेट

टाइमिंग I mean, नहीं था बेटा उसी तरह से जाते तो उतना कम टाइम हम नहीं कर सकते थे तभी हमने सोचा कि इसको स्टॉप करते हैं और वन शॉट लेके आते हैं कितना बोलूंगा जो नेक्स्ट बैच आएगा उनका प्लानिंग हम मार्च या अप्रैल से कर देंगे अप्रैल से या मार्च से उनका रेगुलर लेक्चर स्टार्ट कर देंगे तब तो उनको टेंशन नहीं आएगा ठीक है उनको प्रॉपर रेगुलर मिलेगा ओल्ड टाइप मिलेगा जो न्यू बैच आने वाला है ठीक है तो उनके लिए बोलूंगा उनके लिए गुड न्यूज है आप लोगों का टाइम का प्रॉब्लम था इसलिए हम लोग वन शॉट लाना पड़ा रेजोनेंस बताता हूँ रेजोनेंस क्या होता है स मतलब समझ लो कि यहां बताता हूं यहां देखो आ, मतलब देखो तो, आपको अंग्रेजी टफ लगा मुझे पता था कि मेरे सब बच्चे अंग्रेजी नहीं जानते ठीक है तो उन बच्चों के लिए मैंने यहां कुछ लिख दिया है क्या लिख दिया है जब एक ऑब्जेक्ट जब जब बच्चा जब मतलब बैन जब एक ऑब्जेक्ट बैन वन ऑब्जेक्ट ठीक है जब एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी से दूसरे ऑब्जेक्ट में चली जाए जब एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चली जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट में मोशन वाइब्रेशन कर कर दे तो उसे रेजोनेंस कहते हैं एक बार उसको ध्यान से पढ़ो पढ़ो आपको सच्ची बताओ ना आपको समझ में आ जाएगा पढ़ो जरा मैं मतलब थोड़ा पानी पी लेता तब तो तक तो आप तो पढ़ो आपको पूरा समझ में आ जाएगा आप सर आप जाओ बस हमें नोट्स दे दो आपने नोट्स इतना कमाल का बनाया है कि आप सब कुछ यहां पर जो बोलो सब कुछ यहां पर एक्सप्लेन कर दियो सच्ची बता रहा हूं आप इस नोट्स को बाद में फॉलो करोगे तब तो भी आपको मजा आएगा ठीक है तो आपको हो जाएगा टेंशन ना लो यहां पर टेंशन आपको नहीं लेना बच्चों कुछ भी टेंशन रहेगा दुबे जी पर आ जाना आपको जब भी मुझे मौका मिलेगा आपका क्वेरी में सॉल्व कर दूंगा ठीक है लेकिन रिप्लाई न आए अगर जल्दी से तो प्लीज माइंड मत करना क्योंकि थोड़ा एजन एक्टिविटी भी रहता है ठीक है इसको पढ़ो जरा क्या है पढ़ो चलो पढ़ो तब पानी पी लेता हूं बड़ी जोर की पानी आई है प्यास हाँ चलो चलो आ जाओ गाइस नेक्स्ट हाँ भाई हमने पानी पी लिया चलिए क्या लगातार बोलो तो यहां पर वाइब्रेशन होता है यहां पर गले में ख़राश आ जाता है क्या लिखा है भाई देखो क्या लिखा है रिटर्न गाइस मतलब जब एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी दूसरे ऑब्जेक्ट में चली जाए और दूसरा ऑब्जेक्ट में वाइब्रेशन शुरू हो जाए जैसे कि मान लो कंचना कंचना एक भूत है और उस भूत की आत्मा मेरे बॉडी में आ जाए और मैं ऐसे करने लगा ऐसे करने लगू मतलब मेरे अंदर भूत आ जाए ठीक है तो ऐसे को क्या कहते हैं क्या कहते हैं बेटा रेजुनेंस, है। है? रेजुनेंस कहते हैं क्या कहते हैं रेजुनेंस कहते हैं समझा आपकी लैंग्वेज समझा दिया मैंने समझ में आ गया होगा शायद अब इससे खतरनाक एग्जाम्पल क्या चाहिए ठीक है मतलब जैसे कि मैं एकदम सीधा साधा हूं आपने पिक्चर देखा है कौन सा यार अपरिचित समझा मतलब जब एक ऑब्जेक्ट की जब एक ऑब्जेक्ट की फ्रीक्वेंसी दूसरे ऑब्जेक्ट जब दूसरे ऑब्जेक्ट में आ जाए तो उस ऑब्जेक्ट में भी मोशन हो जाता है ऐसा आपने देखा ऐसा देखा है कि नहीं, देख, नहीं देखा देखा है कि नहीं देखा है कि नहीं देखा है मतलब इस का आपने आपने एक्टिंग देखा देखा होगा देखा है कि नहीं देखा है कहा देखा है अपरिचित मूवी में देखा अपर साउथ इंडियन मूवी है उसमें क्या था वो नॉर्मल रहता है फिर अचानक से अब नॉर्मल हो जाता है ठीक है मतलब ऐसा समझ लो कि मैं नॉर्मल हूं मेरे अंदर कोई भूत आ जाए और भूत मेरे अंदर आके ऐसा ऐसा करने लगे ऐसा कुछ होने लगे उसे कहते हैं रेजोनेंस उसे कहते हैं रेजोनेंस है क्या कहते हो बेटा रेजोनेंस कहते हैं क्या कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं ठीक है सबको समझ में आ रहा है सबको समझ में आ रहा है गाइस मजा आए गाइस मजा आया क्या ओके 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 तो देखो आप देखो आप तो इसके दो एडवांटेज है इसके एडवांटेज दो हैं एक अच्छी चीज है और एक बुरी चीज है अच्छा एडवांटेज देखो तो यह स्माइल कर रहा है स्माइल देखो स्माइल कर रहा है यार, ले कतलेआम कर रहा है और ये बेचारा एकदम उदास है देखो उदास है बेचारा तो एडवांटेज दो है ठीक है बट रेजोनेंस जो होता है इसका दो चीज है एक एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज है अगर किसी बॉडी में रेजोनेंस की वजह से मोशन हो रहा है तो तो अच्छा मोशन भी हो सकता है और बेकार मोशन भी हो सकता है अच्छा मोशन होगा तो ऐसा स्माइल हो हाँ, ठीक है और खराब होगा तो ठीक है ऐसा हो जाएगा अब तो, अच्छा कब होगा मान लो अच्छा बताता अच्छा बताता हूं मतलब मान लो कि बाहर बहुत अच्छा नागिन डांस चल रहा है नागिन का होता है ना बैनजो बैंजो, बैंजो। ऐसा 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 आ जाता है कि नहीं आ जाता है ठीक है और मजा आने लगता है अपना भी थिरकने लगता है कमर ठक ठक ठीक है तो भाई अगर अच्छा वाइब्रेशन आ रहा है ठीक है तो वहां पर एक अच्छा वाइब्रेशन होगा और मेलोडी मिलेगा अगर वहां पर ड्रम मतलब ड्रम बज रहा है अब बहुत वजह से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है तो वो आपको नॉइस लगेगा अगर आपको नॉइस भी लग सकता है और आपको मेलोडी भी लग सकता है ठीक है देखो होता है ना बाहर डीजे बजता है तो डीजे तो बजता है उसके साथ आपका कमर भी थिरकता है इसे मतलब बज वो रहा है लेकिन यहां से आप भी थिरक रहे हो ऐसे ऐसे ठीक है तो क्योंकि वो वाइब्रेशन आपको थिरका रहा है ऐसे ऐसे कर रहा है बाहर ढोल बजता रहता है और ढोल की वजह से आपके घर में जो गिलास है गिलास या खिड़की है वो भी वाइब्रेशन करने लगता है टूंग 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 सुनो तो उसे कहते हैं रेजोनेंस क्या कहते हैं रेजोनेंस और रेजोनेंस अगर अच्छा है तो अच्छा लगेगा रेजोनेंस अगर बहुत हाई हो जाता है रेजोनेंस एक लिमिट तक अच्छा लगता है हाई लिमिट पे आ जाता है ठीक है अगर हाई हो जाता है ना तो रेजोनेंस हमें अच्छा नहीं लगता है उससे क्या हो सकता है आपके घर की खिड़कियां टूट सकती हैं आपके घर में जो कांच का ग्लास वो टूट सकता है ठीक है अगर हाई रेंज में आ गया रेजोनेंस लो रेंज में अच्छा लगता है ठीक है वैसे मान लो कि हल्का सा प्यारा सा धुन आ रहा है हल्का सा म्यूजिक बज रहा है सुनने में कितना मजा आएगा हाँ मजा आ रहा है फीलिंग रिलैक्स तो पीस लगता, पीस ऐसा होता है मैं पीस ऑफ माइंड कर रहा हूँ हाँ हल्का सा म्यूजिक चलता रहे ठीक है आप हल्का सा लेटेड हो मजा आता है ठीक है तो हल्का सा म्यूजिक में आप सोना पसंद करोगे तो वो वो बढ़िया होता है लेकिन बहुत गंदा वाला म्यूजिक बज रहा है और बहुत खतरनाक ठीक है हमार ऐसा खतरनाक वाला गाना बज रहा है ठीक है तो भाई वहां पर आपका मजा नहीं आएगा फिर ठीक है कुछ और करने का मन करेगा फिर तो समझ समझ लो ऐसा कुछ ठीक है देखो तो यहां पर देखो अच्छी बात अच्छी बात फ्रीक्वेंसी इज नेचुरल मतलब फ्रीक्वेंसी नॉर्मल आ रही है मतलब मान लो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी आ रही है और हल्का सा टुन टुन आवाज दूसरे बॉडी में आ रहा है तो वो फ्रीक्वेंसी आपको मेलोडी साउंड जनरेट करेगी अगर फ्रीक्वेंसी एकदम हाई आ रहा है बियॉन्ड द नेचुरल फ्रीक्वेंसी तो वो नॉइस प्रोड्यूस करेगा क्या प्रोड्यूस करेगा नॉइस प्रोड्यूस करेगा नॉइस नॉइस प्रोड्यूस करेगा देखो कुछ साउंड आपको अच्छे लगते हैं और कुछ साउंड आपको नॉइस लगते हैं ठीक है अंडरस्टूड नॉट समझे चलो एग्जाम्पल देखो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए यह कोई ग्लास है ना आपने देखा होगा टन टन आपने रेस्टोरेंट में जाओ तो रेस्टोरेंट में ऐसा बहुत सारा आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे ऐसे एडवर्टाइजमेंट बने हुए ऐसे टन टन होता है ठीक है तो मान लो यहां पे मैं टन टन बजा रहा हूं ऐसे बजाऊंगा तो इसके वाइब्रेशन के वजह से बगल में एक और रखा हुआ ग्लास ये भी टुन टुन बजने लगे बजा इसको रहा हूं मैं, बजा इसको रहा हूं हूं मैं इसको टन टन इसको बजा रहा हूं लेकिन इसका बजने की वजह से ये पार्टिकल डिस्टर्ब हो रहे हैं यहां पर इसके और पार्टिकल डिस्टर्ब होकर यहाँ के पार्टिकल डिस्टर्ब कर देंगे और यहाँ का पार्टिकल जब डिस्टर्ब होगा तो डिस्टर्बेंस कहा पहुंच जाएगा इसके पास भी ऐसे पहुंच जाएगा और ये भी क्या करने लगेगा साउंड करने लगेगा हल्का 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 साउंड करने लगेगा इसको बहुत तेज बजा रहा हूं तो ये बहुत तेज बजने लगेगा क्योंकि इसका वाइब्रेशन इनडायरेक्टली इसके पास जा रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं रेजोनेंस कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऐसा फ्रीक्वेंसी जिसके वजह से दूसरा ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब होकर वो भी साउंड करने लगे उसे कहते हैं रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम इसको बजा रहे थे ना इसको बजा रहे थे तो इसका साउंड का जो वाइब्रेशन था धीरे धीरे से जो पार्टिकल वाइब्रेट हो डिस्टर्ब हो रहे थे इसके बगल में जाके यहां पर फ्लो करने लगे और फ्लो करके वैसे इसको भी डिस्टर्ब कर दिए आपने इसको देखा होगा अगर आपके गली में आपके मोहल्ले में डीजे बजता है तो आपके घर के अगल बगल वाइब्रेशन होने लगता है ऐसे ऐसे वहां की खिड़कियां वाइब्रेट होने लगती हैं ये सुनो तो ऐसा होता है कि नहीं होता है या बहुत तेज़ ब्लास्ट हो गया कुछ बहुत तेज एक्सप्लोजन हो गया आवाज़ बहुत तेज आया तो आपके घर की खिड़कियां टूट भी सकती हैं ऐसा भी होता है तो अगर ज़्यादा आवाज़ आएगा तो नॉइस क्रिएट कर देगा और डिसएडवांटेज आ जाएगा हल्का आवाज़ आएगा तो मज़ा आएगा एंजॉय करोगे ऐसे 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 ठीक है ध्यान दे चलो ये मान लो अपना अंडिया है ये मान लो बेटा अपना अंडिया है सर इस बार पेपर कैसा आएगा हार्ड हार्डल सिंपल? सिंपल आएगा बस पढ़ाई कर लो जो पढ़ाई करके जाए उसके लिए सिंपल लगेगा जो पढ़ाई करके नहीं जाएगा उसको हार्ड लगेगा सिंपल है यार हाँ। चलो बहुत बच्चे अंडिया को देखना चाहते थे ना थे कि नहीं बहुत बच्चे अंडिया को देखना चाहते थे फाइनली मैं उस दिन आ गया है अपने अंडिया को मैं दिखा रहा हूं हेज और अंडिया गाइस अपना अंडिया ही ओके okay. चलो गाइस मजा आ रहा है क्या गाइस मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है एट सिक्सटी सेवन हुए यार क्या गुंडा बनोगे यार पब्लिक का ऐसे करोगे तुम लोग चल लौकर थम्सअप वेरी गुड चलो चलो आ जाओ तो यहां पर हमारे आज अंडिया की दर्शन करा है लो, लो यह अपना अंडिया है और आज अपना अंडिया कुछ तूफानी करने वाला है जी हाँ आज अपना अंडिया कुछ तूफानी करने वाला है अब आप सोचो क्या तूफानी कर सकता है सोचो जरा क्या तूफानी करेगा आज आज कुछ तूफानी करेगा कुछ तूफानी करेगा हा हा ओके सर ओनली वन शॉर्ट देखने पर नाइनटी परसेंट नहीं मिल सकते लेकिन अगर हम इन डिटेल पूरा चैप्टर देखेंगे तो सिलेबस खत्म नहीं होगा बोर्ड एग्जाम तक तो इस पे चैप्टर को कवर कैसे लाए बड़ा उसके लिए आपको पहले प्लानिंग करना चाहिए क्योंकि भाई सक्सेस तुरंत नहीं मिल जाता कि नींद से उठे और तुरंत आपको सक्सेस मिल जाए सक्सेस उन्हीं को मिलता जो नींद और चैन सब कुछ खो देता है नीद चिराया तूने ओ सक्सेस ये सुनो तो सक्सेस पाना है तो नींद को खो जाओ भाई आप लेट जागे हो तो 95 तो नहीं पाओगे अगर अभी जागे हो लेकिन हाँ 95 के आसपास जरूर पहुंच जाओगे लेकिन वो बच्चा 95 जरूर पा सकता है उसके ऊपर जो जून से या मई जून या जुलाई से ही लगा हुआ है ठीक है कुछ बड़ा कामयाबी के लिए बड़ी प्लानिंग करनी पड़ती है और पहले से शुरू करनी पड़ती प्लानिंग ठीक है सक्सेस तुरंत नहीं मिलता है कि सुबह उठाओ सक्सेस मिल गया उसके लिए कई रात काला करना पड़ता है कई रात जागना पड़ता है ठीक है तब जाके आपको सक्सेस मिलता है फिर भी मेरा बेस, मेरा बेस्ट बेस्ट ऑफ लक है मेहनत करते रहो जरूर आप कामयाब हो सकते हो क्योंकि तो लक नाम का भी कोई चीज होता है ठीक है चलो अब अंडा को लेते अच्छे से भाई अंडा कुछ तूफानी करने वाला है बच्चों चलो देखते क्या करने वाला है क्या करने वाला है कैस करो गैस करो गैस करो जल्दी बताओ जल्दी बताओ आंडिया भाई गाना गाने वाला है आंडिया गाना गाने वाला है गाना गाने वाला है देखो आंडिया आज गाना गाने वाला है अब आंडिया भाई आज अपने कांडी के चक्कर में गाना गाने वाला है ठीक है मतलब कांडी ने इसको भाई छोड़ छाड़ दिया है आंडिया उदास हो गया है और ये मोहम्मद रफी के किशोर कुमार के गाने गाने जा रहा है ठीक है भाई साहब कुछ गाना गाने जा रहा है आंडिया आज हमारा गाना गाने वाला है ठीक है मजा आ रहा है गाइस ओके नाउ गाइस नाउ तो यहां पर हमारा अंडिया गाना गा रहा है और गाने का साउंड जो है बहुत तेज है साउंड बहुत तेज है इतना तेज गाना ये गा रहा है और साउंड क्या है साउंड फ्रीक्वेंसी जो है बेटा वो क्या है बहुत हाई है बहुत हाई बहुत हाई बहुत हार्ड बहुत हार्ड क्या बोलता पब्लिक बहुत हार्ड बहुत हार्ड बहुत है ठीक है ठीक है तो अपना अंडे भाई मचा रहा है बहुत हार्ड वाले गाना गा रहा है ठीक है इतना हार्ड फ्रीक्वेंसी में गाना गा रहा है कि यहां पर भाई जाम से जाम टकरा रहे होते हैं किसी के और जाम से जाम जब जब इसका फ्रीक्वेंसी टकराता है इससे तो इसमें वाइब्रेशन क्या हो जाता है इसके अंदर जो वाइब्रेशन रहता है जो अलग जगह पे कोई ऐसा जाम रखा है ग्लास रखा है वाइब्रेशन इसके अंदर क्या हो जाता है बढ़ जाता है और जब बढ़ जाता है और इसका फ्रीक्वेंसी बहुत तेज आ रहा है साउंड का तो ये वाइब्रेशन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा मतलब इसका फ्रीक्वेंसी इसके पास आ रहा है मतलब इस तरीके से क्या हो रहा है यहां पर रेजोनेंस हो रहा है क्या हो रहा है रेजोनेंस हो रहा है और जब रेजोनेंस के वजह से इसके अंदर वाइब्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा वो भाई क्या हो जाएगा ब्रेकिंग ऑफ वाइन हो जाएगा क्या हो जाएगा ब्रेकिंग ऑफ वाइन हो जाएगा ठीक है ब्रेकिंग ऑफ वाइन द ब्रेकिंग ऑफ वाइन ग्लास वॉज रिजल्ट ऑफ अनदर रिलेटेड टू नोन एज तो वहां पर वो जो ग्लास था वो रेजुनस के वजह से क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा ब्रेकिंग हो जाएगा क्या हो जाएगा ब्रेकिंग हो जाएगा ऐसा हो हो होता है जब हाई फ्रीक्वेंसी में साउंड बचता है तो कांच वाच का जो चीज रहता है टूट सकता है तो ऐसा हो जाएगा अंड्या की वजह से जो बांड्या बाग बगल में मजे लेके वाइन का ग्लास बैठा लेके उसके हाथ से ग्लास टूट जाएगा ठीक है और उसके हाथ से नहीं टूटेगा एक्चुअली इसके साउंड से टूट जाएगा तो ये टूट जाएगा क्रैक आ जाएगा क्रैक आ जाएगा मतलब टूट जाएगा खचा खचा टूट जाएगा ठीक है तो इससे किसके वजह से टूटा भाई रेजोनेंस कैसे टूटा सबको समझ में आ रहा है मजा मछी पब्लिक एट क्या बोलता पब्लिक लग रहा है कि थाउजेंड पहुंचेगा फटाफट बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत हार्ड बहुत हार्ड क्या बोलता पब्लिक वेरी नाइस ओके सर डीपीपी डीपीपी मैं आपको डीपीपी नहीं दूंगा मैं आपको सीधा मॉडल पेपर दूंगा और मॉडल पेपर आज या कल मैं भी दूंगा और क्योंकि मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन रहता है डीपीपी का ही क्वेश्चन रहता है तो डीपीपी देने का मतलब नहीं रहता है तो दो मुझे दो बार काम करना पड़ता है तो वेट करो जो मॉडल पेपर बनाऊंगा बहुत मजेदार बनाऊंगा जैसे पिछले बार बनाया था एकदम मजेदार बनाऊंगा और मॉडल पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे ठीक है और मॉडल पेपर में आपका ये ऑसलेषन का और इस चैप्टर का कॉम्बो रहेगा ठीक है मजा आएगा वेट करो आपको मॉडल पेपर भेजूंगा ओके okay. चलो 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 तो कुछ जो होते हैं वाइब्रेशन जो होते हैं अच्छे होते हैं जैसे मान लो कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो रेस्टोरेंट में जाम से जाम टकरा रहे हैं ठीक है और वहीं पर प्यारा सा कोई बगल में कितार बजा रहा है तो कितार आपको अच्छा साउंड करता है तो कुछ जो रेजोनेंस होते हैं अच्छा साउंड करते हैं और कुछ रेजोनेंस जो होते हैं गिलास उलास तोड़ देते हैं तो गिटार है गिटार बज रहा है और गिटार का जब आवाज आता है तो आपके बॉडी में भी क्या होने लगता है मेरे दिल में बजेंगे तार तार मेरे दिल के बजेंगे तार तार उधर आपके दिल के भी घंटी बजने लगती है ऐसा हो जाता है चलो ओके और आपने भी देखा होगा जब कोई प्यार से बोलता है तो उसको सुनने में मजा आता है कोई भोग के बोलता है तो उसको सुनने में मजा नहीं आता है और उल्टा क्या होता है पता है इरिटेशन होता है तो भाई बोलना बंद कर ठीक है तो बहुत गंदा बोलता है तू ठीक है तो कुछ लोग होते हैं बहुत बहुत खतरनाक बोलते हैं और कुछ लोग जब बोलते हैं बस सुनने का मन करते हैं सुनने वाला जब मन करता है उसे कहते हैं बहुत प्यारा वाला रेजोनेंस और जिसे सुन के बस कान खराब होने लगता है उसे बोलते हैं खतरनाक वाला रेजोनेंस ठीक है तो कुछ ऐसे स्पीकिंग भी टर्न होते हैं जिसको सुनने में अच्छा वाइब्रेशन होता है ठीक है और कुछ ऐसे भी होते हैं सुनने में बहुत कान खराब हो जाता है ठीक है तो वही सब उसका स्लाइड दिया गया है वेन वी स्पीक एनी थिंग इट इज बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ एयर मॉलिक्यूल दैट वी आर एबल टू कम्युनिकेट अगर हम किसी अगर हम कुछ बोलते हैं तो वो एयर मॉलिक्यूल के पार्टिकल के वजह से ही वो हमारा साउंड दूसरे के पास जाता है और दूसरा हमारे आवाज को सुनता है और जब वो ऐसा करता है तो उसका आवाज भी एयर मॉलिक्यूल के वाइब्रेशन के द्वारा हमारे कान तक तो पहुंचता है उसको हम सुनते हैं ये कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं मैं आपको यहां पर ठीक है अब यहां पर आता है बेटा हारमोनिक्स आता है ठीक है अच्छा इसको देके कुछ इसको दे के कुछ सोचना हुआ था बहुत लोग कुछ और सोचने होंगे कि कुछ स्पम वगैरह दिख रहा होगा स्पम जो बायोलॉजी का चीज है बायो का है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है बेटा दिस इज नॉट दैट है, बायोलॉजी नहीं है ये बस एक डिजाइन बनाया गया है ठीक है हार्मोनिक पढ़ने वाले हैं क्या पढ़ने वाले हार्मोनिक? क्या पढ़ने वाले हैं हार्मोनिक? चलो एक अजनबी हसीना से यो मुलाकात हो गई क्या बात है बहुत अच्छा गाना गाते हो आप लोग मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है गाइस मजा आ रहा है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर श्री गुरु वे नमा, धन्यवा, 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 बहुत अच्छा आपने वाक्य बोला मजा आ रहा है मजा आ रहा है ओके मुझे लग रहा है सब आज मेरा टाइम टेबल लेके ही जाओगे इसलिए वो फाइव फाई का ग्राफ ऊपर ही है भाई हाँ सबके सब देख रहे हो बहुत अच्छी बात है बच्चों ऐसा देखते रहो यार ठीक है जब कुछ लालच दूंगा तभी देखोगे क्या नहीं सब आपके लिए कर रहे हैं हम लोग तो देखो आप देखो जितना ज्यादा लोग को दिखाओ उतना अच्छी चीज है हमारा कहना है कि बाबा जी का कहना है कि नॉलेज भाई सब तक पहुंचना चाहिए ठीक है सब तक पहुंच सब सब पढ़ो सब खुश रहो सब मजा करो अब अगला लेने वाला टॉपिक हारमोनिक्स हारमोनिक्स ठीक है हारमोनिक्स हार्मोनिक क्या होता है बड़ा हार्मोनिक्स फ्री हार्मोनिक मतलब होता है फ्रीक्वेंसी हार्मोनिक ये फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है फ्रीक्वेंसी में पाया जाता है ठीक है हार्मोनिक ये फ्रिक्वेंसी में पाया जाता है अब फ्रीक्वेंसी क्या होता है बड़ा एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है और एक नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है तो भाई जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी होते हैं उसे हम क्या कहते हैं हार्मोनिक्स कहते हैं मतलब ये समझ लो कि फ्रीक्वेंसी को ही हार्मोनिक्स कहते हैं क्या कहते हैं फ्रीक्वेंसी इज कॉल हारमोनिक्स फ्रीक्वेंसी को ही हारमोनिक्स कहा जाता है ठीक है फ्रीक्वेंसी को ही हारमोनिक्स कहा जाता है और जब फ्रीक्वेंसी ऐसे बॉन्ड बना ले तो उसे ओवर टोन कहा जाता है ठीक है तो अगर मैं आपको लिख देता हूं यहां पर देखो फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी को हारमोनिक्स कहा जाता है ठीक है और जब हारमोनिक्स एक बॉन्ड बना ले और और जब हारमोनिक्स जब और जब हारमोनिक्स काट उसको बॉन्ड बना ले बॉन्ड समझते हो ऐसा चिपका चिपकी कर ले एक घर बना ले बॉन्ड मतलब समझते हो घर घर में समझते हो ऐसा ऐसा घर बना ले एक इधर चिपक जाए इधर चिपक जाए ऐसा बना लें ठीक है घर बना लें तो उसे ओवरटोन कहते हैं क्या कहते हैं ओवर टोन कहते हैं क्या कहते हैं ओवरटोन कहते हैं ये चीज ध्यान दीजिएगा बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं बच्चे समझ नहीं पाते हैं फ्रीक्वेंसी को ही हार्मोनिस कहा जाता है और जब फ्रीक्वेंसी एक घर बना ले मतलब जब दो फ्रीक्वेंसी आपस में मिलकर ऐसे म्यूचुअल म्यूचुअल करके ऐसा बॉन्ड बना लेता है ऐसा एक यहां पर नोड यहां पर नोड आ जाए तो वहां पर आपका एक ओवरटोन बन जाता है तो उसे ओवरटोन कहा जाता है ठीक है तो ये कुछ आपको बहुत अंदर का बात बताया बहुत अंदर का बात बताया ठीक है तो ओवरटोन मैंने बता दिया ठीक है ओवरटोन मैंने बता दिया अब देखो यहां पहचानते हैं चलो पहचानते हैं ठीक है हारमोनिक एंड ओवरटोन कैसे पहचाने ठीक है एग्जाम्पल को ध्यान से तोड़े मतलब ताड़े एग्जाम्पल को ध्यान से ताड़ो भाई ताड़ो हाँ जब ताड़ोगे तभी समझ में आएगा करना क्या है हा चलो हारमोनिस और ओवरटोन को कैसे पहचाने ठीक है कैसे पहचाने तो चलो देखते हैं कैसे पहचाने है हम लोग बच्चे पहचान नहीं पाते कंफ्यूज हो जाते हैं ओवरटोन पहचानने में ठीक है चलो ये डीएनए लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा डीएनए तरह ठीक है तो चलिए देखो यहां पर जो, मैंने जो लिया है ये मैंने जो लिया है ओपन पाइप लिया है क्या लिया है ओपन पाइप लिया पाइप है दिस इज पाइप ये पाइप है और ये पाइप कैसा है ओपन एट बोथ साइड ओपन एट बोथ साइड है इधर भी ओपन इधर भी ओपन है अब इसके अंदर में ट्यूनिंग फोर ट्यूनिंग फोर ऐसा है। टन टन आवाज करा रहा है बजाता हूँ टन टन तो अगर ऐसा फ्रीक्वेंसी बन रहा है ऐसा फ्रीक्वेंसी बन रहा है ऐसा तो इसके अंदर अगर ऐसा बन रहा है तो इसके अंदर कितने ओवर टोन बने हैं और कितना हारमोनिक्स बने हैं ठीक है थीके? तो मैं बता दू यहां पर एक ही हारमोनिक्स है ध्यान दो जहां पर बॉन्ड बनेगा वहां पर हॉर्मोनिक्स रहेगा और जहां दो बॉन्ड बन जाएंगे वहां पर ओवरटोन रहेगा ठीक है एक और बता देता हूं जब एक बॉन्ड रहेगा जब एक बॉन्ड जब एक बॉन्ड रहेगा तो हॉर्मोनिक्स ठीक है क्या हो जाएगा हॉर्मोनिक्स लेकिन लेकिन जब दो बॉन्ड दो बॉन्ड समझते हो कुछ ही कुछ ही हो जाएगा जब दो बॉन्ड बन जाएंगे बन जाएंगे तो ओवरटोन हो जाएगा क्या हो जाएगा ओवरटोन ये ध्यान दीजिएगा हो जाएगा। इसको ध्यान दीजिएगा ठीक है अब देखो यहां पर एक ही बॉन्ड बन रहा है दोनों का यहां पर एक ही एन दिख रहा है ना तो यहां पर हॉर्मोनिक्स एक है ओवरटोन नहीं बन पाया ओवरटोन कब बनता जब घर बनता मेरा घर एक सपना घर बन गया घर क्लोज हो गया जब घर क्लोज हो जाएगा तो ओवर टोन हो जाएगा क्या हो जाएगा ओवरटोन हो गया ठीक है तो ऐसा होगा तब होगा देखो यहां पर बना है क्या यहां भी खुला है यहां भी खुला है ठीक है एक ही जगह पर पॉइंट हुआ तब एक एंड रहेगा तो हारमोनियेगा ओवरटोन यहां नहीं बनेगा ठीक है चलो यहां पर देखो यहां बताओ यहां बताओ गाइस यहां देखो यहां पर क्या हुआ है यहां पर देखो घर बन चुका है यहां घर बन गया है तो यहां पर एक घर बन चुका है एक घर है ना एक ही घर बना है ना बनने के लिए ये भी बाकी ये भी बाकी ये प्रोसेस में है लेकिन ये बन चुका है एक घर बन गया एक घर मतलब एक ओवरटोन और जितना एन मतलब उतना हारमोनिस जितना एन दिखेगा उतना हारमोनिस रहेगा कितना एन दिख रहा है ये एक एन क्यों है क्योंकि जब जहां पर एक वेव देखो एक वेव दूसरे बेव जहां टकराता है वहां तक नोड कहते हैं आपको बदले बताया था नोड कहते हैं नोड जहां टकराता है जब दो नोट रहेंगे तो वहां पर दो हारमोन हारमोनिक्स रहेंगे और जहां पर मेन चीज क्या है दो नोट मिलके अगर वहां पर क्या कर ले घर बना ले घर तो क्लोज हो चुका है ऐसा हो चुका है ऐसा ऐसा घर क्लोज हो चुका है क्लोज हो गया क्लोज मतलब बंद हो चुका है तब तो आपका एक ओवरटोन बन जाएगा तो इस प्रोसेस में दो एन दिख रहा है मतलब दो हार्मोनिक्स हैं और ये घर बन गया मतलब आपका एक ओवरटोन हो गया इस तरह से आप क्या कर सकते हो ट्रिक के साथ पढ़ सकते हो ठीक है चलो No. यहां ध्यान दो यहां कैसे पहचानेंगे यहां पर बताओ कितना आपका ओवरटोन है बड़ा? यहां पर दो घर दो है, एक घर एक घर दो घर दो घर बना तो दो घर है मतलब आपका दो ओवरटोन और कितना नोड है तीन नोड है एक दो तीन तो आपका कितना हार्मोनिक्स? तीन हार्मोनिक्स, हमेशा ध्यान देना हार्मोनिक्स एक कदम आगे रहेगा ओवरटोन से ठीक है ऐसे ध्यान दीजिएगा ठीक देजे? है दिस इज ऑल फॉर ओपन पाइप ये किसके लिए था अगर पाइप किस क्या है ऐसा आपका ओपन है इधर से भी ओपन है इधर से भी ओपन है और इधर से भी ओपन है तो उसमें ऐसा होता है हार्मोनिक्स और उसमें ऐसा होता है ओवरटोन ठीक है ये चीजें आपको बच्चे कंफ्यूज रहते हैं मैंने बता दी यहां पर ठीक है बेटा ओके चलो धन्यवाद धन्यवाद संजय जी धन्यवाद ओके ओके गाइस चलो आ जाओ ए पाइप इज क्लोज एट वन एंड अगर पाइप क्या बेटा क्लोज है एट वन इंड ठीक है पाइप लिया हूं लेकिन पाइप क्या हो गया है पाइप क्लोज हो चुका है एक इंड पर ठीक है पाइप इज क्लोज एट वन एंड यहां पर क्लोज है ठीक है तो यहां पर क्या होगा एक ही आपका एन बनेगा एक एन बनेगा ठीक है एक ही एन बनेगा ओके तो यहां पर मिल है? रहा है यहां नहीं मिल रहा है तो आपका क्या हो जाएगा हारमोनिक आपका रहेगा लेकिन ओवरटोन नहीं रहेगा बन रहा है ठीक है घर बनेगा वहीं पर आपका ओवरटोन आएगा ठीक है यहां पर बताओ यहां पर बताओ क्या यहां पर घर बना है हाँ घर बन चुका है दिख रहे हैं यहां पर घर बन गया है यहां पर घर बन चुका है एक घर बन चुका है तो आपका एक ओवरटोन और दो नोड है इसलिए दो आपका हार्मोनिक्स आ जाएगा समझा बेटा हार्मोनिक्स हमेशा एक कदम ओवरटोन से आगे रहेगा ट्रिक कैसा लग रहा है समझ जाओगे ना बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं हॉर्मोनिस और ओवरटोन पहचानने में ये सुनो यस गाइस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओके okay. अच्छा बताओ यहां पर कितना आपका हॉर्मोनिस है कितना ओवरटोन है यहां पर कितना घर है एक घर दो घर तीन घर तो आपका ओवरटोन तीन है और कितना नोट है एक नोट दो नोट तीन नोट चार नोट तो आपका चार रहेगा समझा ट्रिक समझ में आ रहा है बच्चों ट्रिक समझ में आ रहे हैं ट्रिक समझ में आ रहे हैं क्या बच्चों आपको मजा आ रहा है ट्रिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहे है बताओ समझ में आ रहे हैं यस अज्जू ब्रो जिंदाबाद 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 धन्यवाद धन्यवाद बेटा धन्यवाद थैंक यू थैंक यू और प्यार लव सपोर्ट ओके बेटा धन्यवाद ओके ओके अब बात करते हैं हॉर्मोनिस और ओवरटोन इन स्ट्रिंग हॉर्मोनिस एंड ओवरटोन स्ट्रिंग के अंदर कैसे पहचाने स्ट्रिंग के लिए थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है अब तक हम किसमें देख रहे थे अब तक जो हम देख रहे थे पाइप में देख रहे थे का और का अलग है। ध्यान हो, एक से क्लोज हो उसका एक ही ट्रिक है जो बताया था मैंने आपको लेकिन स्ट्रिंग का थोड़ा ट्रिक अलग है यहाँ ट्रिक अलग रहेगा यहाँ पर जो वाइब्रेशन हो रहा है स्ट्रिंग के अंदर हो रहा है स्ट्रिक समझते हो स्ट्रिक समझते हो कि मान लो यहाँ पर एक कोई रॉड है इस रॉड से यहां पर दूसरा रॉड है इसके अंदर मैं रस्सी बांध दिया रस्सी को मैंने ऐसा वाइब्रेशन कर रहा हूं ठीक है ऐसा कुछ है यहां पर तो देखो यहां पर क्या है यहां पर देखो एक घर बन चुका है ठीक है यहां पर एक घर बन चुका है अंडरस्टूड नॉट लेकिन हारमोनिक्स आपका एक है मतलब यहां पर यह थोड़ा अलग है स्ट्रिंग में थोड़ा अलग है स्ट्रिंग में थोड़ा अलग है ध्यान दीजिएगा स्ट्रिंग में क्या होगा जब दो घर बनेगा तब एक ओवरटोन बनेगा जब दो घर बनेगा तब एक ओवरटोन बनेगा समझे तब जाके एक ओवरटोन बनेगा यहां पर एक ही घर बनाया है तो यहां जो घर रहेगा घर का पहला हिस्सा कौन लेगा घर का पहला हिस्सा हार्मोनिक्स लेगा क्या लेगा हॉर्मोनिक्स लेगा यहां पर ओवरटोन को जगह नहीं मिलेगा ओवरटोन के लिए क्या करना पड़ेगा इसको ऐसा दो बार बनना पड़ेगा ये किसके लिए याद करोगे स्ट्रिंग के लिए याद करोगे स्ट्रिंग के लिए ठीक है स्ट्रिंग के लिए फंडा याद कर लो जब दो घर बनेगा ऐसा तब जाकर उसमें एक ओवरटोन को, को मिलेगा जगह ठीक है अब पहला घर हॉर्मोनिक्स को मिलेगा अब यहां बताओ यहां पर दो घर बना तो दो घर पे दो हार्मोनिक्स हो गया लेकिन दो पर एक किसके लिए मिलेगा ओवरटोन के लिए मिलेगा, मिलेगा। यह कंसेप्ट याद कर लीजिए ठीक है यह कंसेप्ट याद कर लीजिएगा दो घर पे दोनों तो हार्मोनिक्स को जाएगा लेकिन इसमें से एक ओवरटोन के भी नाम पर आएगा ठीक है तो दो जब आएगा तो एक जो पीछे वाला रहेगा ओवरटोन के लिए रहेगा और दो आपका जो जितना रहेगा उतना हार्मोनिक्स के लिए रहेगा ठीक है यहां बताओ कितना रहेगा यहां बताओ यहां बताओ कितना रहेगा बताओ कितना रहेगा बताओ भाई यहाँ कितना हॉर्मोनिस कितना ओवरटोन बताओ मैं छुपा के रखा हूं मैं कमेंट देख रहा हूं मैं बताओ कितना कितना ओवरटोन तीन हार्मोनिक्स दो ओवरटोन वेरी गुड वेरी गुड यहां तीन घर तीन हार्मोनिक्स लेकिन एक घर पीछे रहेगा ओवरटोन ओवरटोन हमेशा पीछे रहेगा हॉर्मोनिस हमेशा आगे रहेगा चाहे वो स्ट्रिंग हो चाहे वो पाइप हो ये ध्यान दीजिएगा ठीक है यहां पर हॉर्मोनिस आपका तीन रहेगा एक दो तीन मशीन दिन रामदीन पैसा रहेगा चलो ये क्या बेटा ये है आपका रेजुनेंट है रेजुनेंट ये सब क्या है सर ये रेजुनेंट है रेजुनेंट रेजुनेंट ये रेजुनेंट है सर रेजुनेंट क्या होता है बताता हूं ये सब दिख रहा है ये रेजोनेंट होता है रेजोनेंट आप लोग रेजोनेंट नहीं समझता होगा रेजोनेंट का मैं तस्वीर दिखा रहा हूं तस्वीर देख लो इसके बारे में ठेरी पढ़ने वाला हूं बताने वाला हूं ठीक है ये रेजोनेंट रेजोनेंट है एक टाइप का क्या होता है ये वाइब्रेशन कैलकुलेट कर, करने वाला कैलकुलेट करने वाला क्या होता है डिवाइस होता है वाइब्रेशन बताता है ये वाइब्रेशन कितना हो रहा है किसी डिवाइस में कैलकुलेट करता है इसको रेजोनेंट क्या कहते हैं रेजोनेंट बोलो या इसको एक चीज और बोलते हैं इसको एक चीज और बोलते हैं सोनोमीटर सोनोमीटर भी कहते हैं क्या कहते हैं सोनोमीटर बोलो या रेजुनेंट बोलो रेजोनेंट सोनोमीटर या रेजुनेंट बोलो ठीक है तो इसका दो नाम है तो इसके देखने वाले है? हाँ चलो सोनोमीटर क्या होता है सोनोमीटर का आपने तस्वीर देख लिया है। तस्वीर दिखा दे तो फिर से ऐसा रहता है ये आपका प्रैक्टिकल है या आपके अगर आपका कॉलेज चालू हो गया है तो कॉलेज में अगर लाइब्रेरी में जाओगे फिजिक्स के तो अपने फिजिक्स टीचर से पूछना सर मन ने बड़े जोर का सोनू मीटर देखने आया है, मन ने सोनू मीटर दिखा दो सोनू मीटर अगर आपके लैब में अवेलेबल रहेगा तो आपको सर दिखा देंगे तो इसको क्या करते हैं इससे हम वाइब्रेशन को कैलकुलेट करते हैं क्या करते हैं वाइब्रेशन को कैलकुलेट करते हैं इसका प्रैक्टिकल होता है आपके एग्जाम में यह सब या आपके बोर्ड एग्जाम वगैरह में नहीं आएगा प्रैक्टिकल चैप्टर प्रैक्टिकल टॉपिक है ये जो टॉपिक है एग्जाम के ओरिएंटेड नहीं है ये ऐसा आपका प्रैक्टिकल के लिए फॉर प्रैक्टिकल ये आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है प्रैक्टिकल आता है ठीक है चलो आ जाओ अब देख रहे सोनोमीटर होता क्या है इट इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर द टेंशन फ्रीक्वेंसी एंड डेंसिटी ऑफ वाइब्रेशन ठीक है मतलब कोई पार्टिकल वाइब्रेशन कर रहा है तो उस पार्टिकल में कितना टेंशन है वाइब्रेशन में उस वाइब्रेशन में कितना फ्रीक्वेंसी है और उस वाइब्रेशन में कितना डेंसिटी है ये सब ये मशीन क्या करता है ये क्या करता है बेटा कैलकुलेट करता, करता है कोर सोनोमीटर सोनोमीटर एक डिवाइस होता है मशीन होता है जो कोई वाइब्रेशन के अंदर कितना फ्रीक्वेंसी है कितना डेंसिटी है ठीक है और कितना उसके अंदर वहां पर फ्रीक्वेंसी है सब कुछ मेजर करता है टेंशन उन सब मेजर करता है तो एक टाइप का मशीन होता है बीट्स क्या होता है बेटा बीट्स क्या होता है बोल रहा ना बीट्स पकड़ो बीट्स ठीक है बीट्स बीट्स समझा तो बीट्स क्या होता है दिस इज फिनोमेना बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव दिस इज द फिनोमेना बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव मतलब बीट्स जो होता है सुपर पोजिशन होता है इसके अंदर क्या होता है हमें वेब के हिसाब से चलना पड़ता है अगर वेब ऊपर जाए तो हमें ऊपर जा जाना है और वेब नीचे जाए तो हमें जा था 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 जा था 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 नीचे जाना है और वेब फिर ऊपर जाए तो हमें ऊपर जाना है और वेब नीचे जाए तो हमें नीचे जाना है जा मतलब हमें, हमें उस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलना क्या कहलाता है बीट्स कहलाता है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से चलना ही बीट्स कहलाता है ठीक है जैसे कि मेरे शब्दों में उतार चढ़ाव जो होता है हाई एंड लो जो वॉइस होता है शब्दों में जब बोलते समय जब हम आवाज ऊपर आवाज नीचे करते हैं ये भी एक टाइप का बीट्स होता है बीट्स मतलब होता है अपने वेव को एक स्मूथ डायरेक्शन में क्या करना फ्लो कराना ठीक है तो इसे बीट्स कहते हैं जो सुपर पोजिशन के प्रिंसिपल पर वर्क करता है ठीक है और देखते हैं बीट्स फॉर्मेशन वे सुपर पोजिशन ऑफ टू वेव्स आर हैविंग सेम सेम एम्पलीट्यूड ओके एंड स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी तब जाके बीट्स बनता है आपका ये थोड़ा इसका फॉर्मेशन याद कर लीजिएगा और इसका बहुत अच्छा सा एक प्यारा सा डेरिवेशन है ऑलरेडी इसको मैंने देखा है प्रशांत सर ने अपलोड किया है इस चैप्टर का उसको जाके कर लीजिएगा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया ठीक है क्योंकि तो इसका जो डेरिवेशन है बहुत बड़ा है ठीक है लेकिन सर ने वहाँ एक्सप्लेन किया रहेगा आप जाके देख लीजिएगा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया है बस आपको डेरिवेशन देखने का मतलब है तो वहाँ पर देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा ब्रिट्स होता क्या है ब्रिट्स मतलब होता है आपको वेव के हिसाब से अपने वाइब्रेशन को क्रिएट करना ठीक है इंड करेक्शन पाइप उसे कहते हैं इंड करेक्शन इंड करेक्शन मतलब समझ लो मैं बताता हूं ये डेफिनेशन इसको याद कर लीजिएगा और उसको बताता हूं समझाता हूं, होता कैसा है इंड करेक्शन होता जैसे मान लो कोई पाइप है ये कोई पाइप है ठीक है कोई पाइप है और यह पाइप एक साइड से क्या है एक साइड से खुला है एक साइड से बंद है ठीक है और इसके अंदर में टन टुंड किया हूं अगर ये टन टुन यहां तक पहुंचता है कहां तक पहुंचता है यहां तक यहां तक पहुंचता है देखो यहां तक अगर टुंड टुंड करने पर होता है ना टुंड करूंगा इसको टुन टुंड करूंगा और टुंड टुंड करने पर इसका जो फ्रीक्वेंसी है ठीक है फ्रीक्वेंसी ऐसे टकरा के यहां तक पहुंचता है मतलब इसके लेवल पहुंचता है जितना लेवल में आपका पाइप है उतना लेवल में पहुंचता है तो वहां पर इंड करेक्शन नहीं होगा लेकिन अगर मैंने बहुत तेज टुंड कर दिया ट बहुत तेज कर दिया तो ये होगा इसका फ्रीक्वेंसी जो रहेगा ना इसके पाइप के जो मार्क है ना उसके ऊपर पहुंच जाएगा यहां पहुंच जाएगा यहां फ्रीक्वेंसी बहुत हाई हो जाएगा अच्छा फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा समझ आना वहां पर क्या आएगा इंड करेक्शन आएगा क्या आएगा इंड करेक्शन आएगा मतलब वहां पर फ्रीक्वेंसी बाहर आ चुका है जिसके वजह से नॉइस क्रिएट हो सकता है क्या क्रिएट हो सकता है नॉइस 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 अब तो को हटाना पड़ेगा इंड करेक्शन के लिए, लिए हमेशा ध्यान देना जीरो रहे करना रहेगा ये इंड करेक्शन का वैल्यू होता है जीरो पॉइंट थ्री डी ये क्या है आपका कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है टू फाइंड इन करेक्शन इंड करेक्शन को निकालने के लिए कॉन्स्टेंट वैल्यू होता है अगर आपको ध्यान दो बेटा यहां पर ध्यान दो अगर आपका इंड करेक्शन नहीं है अगर आपका इंड करेक्शन नहीं है मतलब आपका फ्रीक्वेंसी इसके लेवल में ही है तो उसका जो फॉर्मूला रहेगा आपका आपका एन इक्वल टू बी अपॉन फोर एल रहेगा ठीक है लेकिन अगर उसमें हमने बहुत हाई कर दिया एकदम टुंड कर दिया तो ये फ्रीक्वेंसी बहुत ऊपर चला जाएगा तो उसके अंदर इंड करेक्शन आ जाएगा इसके अंदर इंड करेक्शन नहीं है इंड करेक्शन करेक्शन जो होता है जो एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी इंड करेक्शन नहीं है नहीं है और इसके अंदर करेक्शन करेक्शन है है जो होता है, वो है ठीक है करेक्शन है 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 दिख रहा है. दिख रहा है, दिख रहा देखो पर एक्स्ट्रा है इंड करेक्शन इतना ऊपर चला गया है तो इंड करेक्शन रहेगा और पाइप एक साइड से क्लोज है उसमें इंड करेक्शन निकालना है तो उसके लिए आप ये फॉर्मुला इस्तेमाल करना कौन सा एन इक्वल टू बी बाई फोर रहेगा मतलब फॉर्मूला यही रहेगा यही फॉर्मूला रहेगा लेकिन इसमें इंड करेक्शन जोड़ना रहेगा ना तो एल के साथ ई e जोड़ देना एल के साथ ई e जोड़ देना और ई e का जो वैल्यू रहेगा जीरो पॉइंट थ्री डी रहेगा जीरो पॉइंट थ्री डी रहेगा यह वैल्यू आपका हमेशा सेम रहेगा जीरो पॉइंट इंडी करेक्शन का वैल्यू होता, होता है मतलब यही फॉर्मूला रहेगा लेकिन इसमें आपको इंड करेक्शन निकालना है ना तो आप फोर एल के साथ एल के साथ ई को जोड़ देना आपका करेक्शन उसमें मिल जाएगा ठीक है चलो अगला देखते हैं अगर पाइप ओपन दोनों साइड से है ठीक है तो पाइप दोनों ओपन है अगर इसमें उसमें इंडिकेशन नहीं आ रहा है कि इसमें इंडिकेशन आ रहा है ज्यादा फ्रीक्वेंसी हो गया है तो इसमें इंडिकेशन अगर पाइप ओपन दोनों साइड से उसको फ्रीक्वेंसी निकालना है तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना एन इक्वल टू बी बाई टू एल और उसमें देख रहे हो इसमें इंडिकेशन आ चुका है क्योंकि देखो तो यहाँ से लेबल से बाहर आ गया इतना तो बाहर है और यहाँ भी इतना बाहर है के इसके अंदर है तो यही फार्मूला रहेगा लेकिन इसके साथ ई जोड़ देना ई ठीक है यहाँ पर देखो जोड़ दिया गया और ये जीरो पॉइंट थ्री डी होता है क्या होता है होता है ठीक है उसको ऐड कर दीजिएगा आपका इंटीग्रेशन निकल जाएगा चैप्टर खत्म हो गया चैप्टर खत्म हो गया चैप्टर चैप्टर खत्म खत्म गाइस ये क्या है सर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो भी हमने इस चैप्टर में किया है इसका मैंने फॉर्मूला भी इसके साथ अटैच कर दिया है जो कि आपको सीधा आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा नाम के साथ वेलोसिटी ऑफ वेव फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव रहेगा तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है फेज डिफरेंस रहेगा तो ये फॉर्मूला निकालना है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के लिए आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है तो ये फॉर्मूला अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा वाइस ये बीट फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला ये रहेगा पीरियड ऑफ बीट का फॉर्मूला ये रहेगा स्टेस्ट्री वेव का फॉर्मूला ये रहेगा तो ये फॉर्मूला आप सब देख के रखिएगा ये सब फॉर्मूला आप देख के रखिए कल जब न्यूमेरिकल्स करेंगे ना तब ये सब फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगा क्योंकि तो इसी से फॉर्मूले के बेस पर हमारा न्यूमेरिकल कल का रहने वाला है इसलिए मैंने आपको बोला याद करो और हाँ आज का वन शर्ट होने के बाद रात में जब मौका मिलेगा या फिर कल दिन में तो इसका एक रेगुलर वीडियो देख लीजिएगा अगर जो अपलोड रहेगा इसमें जो डेरिवेशन पार्ट है ओके तो डेलीवेशन बस पार्ट आपको छुटा है बाकी सब कुछ हमने ले लिया अच्छे से ठीक है ओके तो डेरिवेशन बहुत बड़े बड़े थे उसका डेरिवेशन देख के रखिएगा बाकी तो सब कुछ बता दिया हूँ ठीक है बाकी सब बता दिया गया है सब मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिख के दे दिया फार्मूला आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा और यहाँ पर थैंक यू आ चुका है लेकिन मैंने आपको प्रॉमिस किया था टाइम टेबल के लिए क्या बात है गाइस लगता है टाइम टेबल चाहिए आप लोग को चाहिए लगता है दो क्या टाइम टेबल पांच मिनट लगेगा दे देता हूं क्योंकि मैंने प्रॉमिस किया था अब पांच सौ लोग के ऊपर दिख रहे हो पक्का पांच सौ के ऊपर रहना चाहिए तभी दूंगा देखो पांच सौ नौ है अगर नीचे आ गए तो टाइम टेबल खलास ओके okay. बढ़ाओ अपना अपना नाइन नाइनटी फोर हुए आज छह लोग बाकी वन के होने में दबाओ फटाक से उसको ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा ओके okay. चलो ठीक है मैं देता हूं फटाक से याद करो टाइम टेबल देखो आपका मेरा बहुत इंपॉर्टेंट एंट बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा तो नोट करो जरा Adjusters time टाइम टेबल ये मेरे बच्चों के लिए ठीक है ये मेरे बच्चों के लिए बताता हूं आप सबको पता है साइंस में चार सब्जेक्ट कौन से हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन से हैं बताओ कौन कौन से सबको पता रहेगा पता नहीं कोई जरूरत नहीं है पहला सबसे सबसे खतरनाक फिजिक्स जो आप चीज़, आपको चिंदी लगता होगा फिजिक्स दूसरा चीज क्या बेटा केमिस्ट्री क्या बेटा केमिस्ट्री तीसरा क्या बेटा बायोलॉजी क्या बेटा बायोलॉजी ठीक है और चौथा क्या बेटा मैथ क्या बेटा मैथ्स है ये चार सब्जेक्ट होते हैं क्या होता है बेटा पीसीएमबी होता है क्या होता है पी सी एमबी पी सी एमबी यह आपके चार मेजर सब्जेक्ट होते हैं किसमें साइंस की दुनिया में साइंस ओके साइंस की दुनिया में आपको बेटा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट यही है ठीक है अच्छा अब आपका टाइम टेबल क्या है ओके okay. आपका टाइम टेबल तो टाइम टेबल बता देता हूं मैं इसको नोट कर लीजिएगा इसको फैला दो जहां पहुंचा सकते हो आप लोग ओके बड़ी काम का चीज है ठीक है इसको मैं टाइम टेबल लिखता हूं टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं ठीक है बच्चे इसके लिए मैसेज करते हैं सब कैसे करना है आज सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा आज सब कंफ्यूजन दूर, दूर हो जाएगा आपको पता है हफ्ते में कितना दिन होता है कितना दिन होता है सात दिन कौन सा दिन होता है मंडे ट्यूसडे डे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और लास्ट क्या होता है बेटा संडे होता है ठीक है ये आपके डेज होते हैं मंडे ट्यूसडे वेटसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे एंड संडे होता है सबसे पहले क्या करो आप पता है वाट टू डू मैं बता देता हूं उसको फॉलो करो सब देख रहे हो ना अरे क्या बात है फाइव सिक्सटी सिक्स क्या बात है ध्यान से देखो हाँ ध्यान से देखो मैं आज को, आपको दवा देने वाला हूं जब आपको खाना नहीं खवाता है नींद नहीं आता है ठीक है और आपके मन में हमेशा अजीब गरीब डिप्रेशन जैसा लगता है और बीमार बीमार जैसा फील करते हो तो आप किसके पास जाते हो आप डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर आपसे बताता है बेटा क्या क्या लग रहा है आपको सर खाना खाता हूं नहीं खाना पच नहीं पाता है खाना निकल जाता है आ करके ठीक है और उसके बाद सर रात में सोता हूं लेकिन जग जाता हूं नींद नहीं आता डिप्रेशन लग रहा है ठीक है सर दिन भर अच्छा रहता हूं रात में बीमार बीमार फील करता हूं थकावट लग जाता है वैसे बोलता है शीघ्र पतन हो जाना ठीक <laughs> है तो ये सब चीज़ें से जूझ रहा हूं सर कुछ दवा बताओ तो डॉक्टर आपको क्या करता है दवा लिख देता है बेटा ये दवा लेके जाओ और ये दवा जाके मेडिकल से लेके इसको खाना शुरू कर दो और आप कल से चंगे हो जाओगे ठीक है तो आज आपका अज्जू भाई आपके लिए स्पेशल टाइम टेबल लाया है जैसा डॉक्टर आपको टेबलेट देता है वैसे आपका अज्जू भाई भी आपको आज टाइम टेबल के साथ टेबलेट देगा आज आज आपसे से आप लोग भी टेबलेट खाओगे ठीक है मैं भी आपको टेबलेट देने जा रहा हूं सर क्या बात कर रहे हो सर ऑनलाइन भेजोगे क्या नहीं नहीं यहीं से भेज दूंगा आप लोग को मिल जाएगा ठीक है टेबलेट क्या है टेबलेट यह है जैसे डॉक्टर जब दवा देता है तो बोलता है ये दवा सुबह खाना है खाना खाने के पहले और यह दवा रात में खाना है खाना खाने के बाद तो ऐसे मेरा भी दवा है सुनो जरा सुनो मेरा दवा सुनो क्या सब सुनना चाहते हो सुनो चलो सुना देता हूं ठीक है मॉर्निंग मॉर्निंग में ठीक है हमेशा मॉर्निंग में ध्यान दीजिएगा मॉर्निंग में आपको फॉलो करना है मॉर्निंग में इसको फॉलो करिएगा ठीक है मॉर्निंग फॉलो करना फिजिक्स फिजिक्स कितने बजे मॉर्निंग में फिजिक्स आप डेली उठने कोशिश करिए पांच पांच ए एम टू सिक्स ए एम पांच ए एम थे सिक्स ए एम मतलब सुबह डेली आप फिजिक्स पढ़ोगे सुबह डेली फिजिक्स एक घंटा एक घंटा लेकिन वो घंटा बवाल होना चाहिए एक घंटा ही पढ़ो लेकिन घंटा क्या होना चाहिए बवाल होना चाहिए ये मैंने पांच बजे बताया है अगर कोई बच्चा कर सकता है तो चार बजे उठ जाए तो बहुत बड़ी बात है बहुत अच्छी बात है अगर आप चार बजे उठ जाते हो तो बहुत अच्छी बात है मैं यहां पर चार बजे जोड़ना चाहता हूं लेकिन बहुत बच्चे बनेंगे सर सर ठंडी मौसम चालू है सर सर पता है ना सर ठंडी में रजाई का मजा लेते हैं सर सवेरे सवेरे सु� सर प्लीज सर कुछ रहम करो तो रहम करके मैंने आपको पांच बजे कर दिया लेकिन जो कुछ अलग करना चाहता है वो चार बजे लेगा उसको चार से छः बजे तक करेगा लेकिन जो कुछ नॉर्मल करना चाहते हैं वो पांच से छह करेंगे प्लीज को फॉलो करो एक घंटा बस दिन भर चाहे जो करो दिन भर चाहे आप कॉलेज जाओ चाहे हमारा अज्जू भाई का लेक्चर देखो चाहे जो करो लेकिन मॉर्निंग में ये करो मॉर्निंग में रोज फिजिक्स मंडे को पढ़ो ठीक है अब अगले दिन क्या करना है अगले दिन को फिर से आप फिजिक्स पढ़ो फिर से आप फिजिक्स पढ़ो ठीक है फिर से आप फिजिक्स पढ़ो अंडरस्टूड अंडरस्टूड फिर से आप फिजिक्स पढ़ो कितने बजे फाइव ए एम टू सिक्स ए एम मतलब हफ्ते में मंडे ट्यूसडे फिजिक्स रहना चाहिए कितने बजे सवेरे रहना चाहिए वेनेसडे क्या रहेगा वेनेसडे आप ले लो केमिस्ट्री क्या ले लो केम ले लो केम ठीक है और ये भी आप कितने बजे पांच बजे से छह बजे तक करो अगर थर्सडे भी आप क्या करो इस दिन भी आप केम करो कभी करो आप मॉर्निंग पांच से छह बजे तक करो उसके बाद फ्राइडे को क्या करो बायो करो क्या करो बायो करो ये भी आपका टाइम क्या रहेगा पांच से छह बजे तक ही रहेगा फिर अगले सैटरडे भी क्या करो आप बायो करो कितने बजे वही सवेरे पांच बजे पांच से लेके छ बजे वाला ठीक है बेटा ये आप क्या करो फॉलो करो अंडरस्टूड सो संडे क्या करना है संडे आपका रिवीजन डे रहेगा क्या रहेगा बेटा रिवीजन डे रहेगा रिवीजन डे के अंदर कुछ अलग नहीं पढ़ना है जो आपने हफ्ते भर पढ़ा है उसको रिवाइज करो उसको रिवाइज करो कुछ एक्स्ट्रा मत पढ़ो ठीक है सर आप एक चीज भूल गए क्या मैथ्स अरे मैथ्स भूला नहीं भाई मैथ्स तो बहुत जरूरी है मैथ्स आपको सवेरे सवेरे नहीं कराऊंगा मैथ्स जो होता है कटकुट खेलने वाला गेम होता है जब दिमाग खराब हो जाए तो मैथ्स लगाने का ठीक है और मैथ्स कब करने का पता है आधी रात करने का मतलब रात पे करने का रात समझते हो नाइट में एवरी नाइट गाइस एवरी नाइट नाइट में ठीक है नाइट में क्या करना पता है जब आप लेक्चर खत्म हो दो ग्यारह बजे से ठीक है आप साढ़े ग्यारह से साढ़े ग्यारह से आप लोग क्या बोलते हैं अभी, अभी अभी आप लोग का क्या चला वन वंश चल रहा है ना वन शॉर्ट साढ़े दस बजे तक चला जाता है उसके बाद आप खाना पीना खाते हो ठीक है तो मैं बोलूंगा साढ़े ग्यारह से साढ़े ग्यारह पीएम टू ट्वेल्व थर्टी ए एम ये रात में कितना के लिए फोर वन आवर्स वन आवर्स सिर्फ एक घंटा ये डेली आपका डेली है डेली नाइट मैथ्स जो आपका चलना चाहिए मैथ्स डेली नाइट मैथ्स ये जो मैथ्स आपका ये जो मैथ्स है आपका डेली रात के साढ़े ग्यारह से साढ़े बारह चलना चाहिए डेली करना है डेली ठीक है तो मैथ्स आपका डेली चाहिए मैथ्स को रटना नहीं है मैथ्स को सिर्फ समझना है ठीक है रखते तो मारते नहीं हो तो मैथ्स डेली घंटा लगाने का रात के साढ़े ग्यारह से रात के साढ़े बारह बजे और सवेरे बारह साढ़े बारह बजे सो जाने का ठीक है और सोने के बाद सवेरे पांच बजे उठ जाने का और यह करने का प्लीज तीन महीने की बात है तीन महीने अगर फॉलो कर दोगे ना तो मजा आ जाएगा तो दवा कैसे खाना है सवेरे उठते ही सवेरे उठते ही सबसे पहले हल्का सा मुंह खोलो मुंह धो लो ठीक है हल्का सा गर्म पानी पी लो फ्रेश हो जाओ उसके बाद बैठ जाने का सवेरे कुछ खाने से पहले सबसे पहले दूरी सबसे पहला टेबलेट गाई सबसे पहला टेबलेट खाना खाने के पहले मॉर्निंग में उठते ही विदाउट ब्रेकफास्ट आपको यह खाना है दो दिन फिजिक्स खाना है दो दिन केमिस्ट्री खाना है दो दिन बायो खाना है ये सवेरे की गोली है रात की गोली आपको खाना खाने के बाद लेना है जो कि मैथ्स लेना है और उसको लगातार लेना है तीन महीने का कोर्स क्योंकि बीमारी बहुत बड़ी है तीन महीना कोर्स चलेगा ये टाइम टेबल आपको तीन महीना चलाना है क्योंकि आपकी बीमारी बहुत बड़ी है आपकी बीमारी का राज यह है कि आप फेल होने वाले हो आपको नाइनटी लाना है ठीक है तो आपको बहुत बड़े लेवल पे जाना है तो तीन महीना आपको चलाना है डॉक्टर क्या बोलता है जब लंबी बीमारी रहती है तो बोलता है ना दो तीन महीना दवा चलेगा तो ये दो तीन महीने लगातार आपका टाइम टेबल चलना चाहिए लगातार ठीक है करोगे तो मजा आ जाएगा रात में दो दिन फिजिक्स दो दिन केमिस्ट्री दो दिन बायो और डेली रात में सोने से पहले मैथ्स ठीक है ये करना शुरू कर दो आपके जीवन में तरक्की होना शुरू हो जाएगा चाहे जो भी करो दिन भर चाहे जो भी करो लेकिन इसको फॉलो करो डेफिनेटली आपको कामयाबी नजर आएगी जो करो मैं दिन भर का कुछ भी नहीं बताऊंगा लेकिन ये आपको फॉलो होना चाहिए बस इसको फॉलो करो बाकी जो कर तो करते रहो जो नॉर्मली आपके लाइफ में चल रहा है अंडा कांडी को छेड़ना यहां देखना ऐसा वैसा करना टाइम पास करना सब कर दो इसको से से इसको फॉलो फॉलो से करो ठीक है दोन शॉट ले लो हाँ इसको फॉलो करो गाइस इसको फॉलो करो ठीक है और हर संडे को रिवीजन करो जो भी पढ़ा उसको रिवीजन करो टाइम निकाल के ठीक है पूरा रिवीजन करने का ऐसा आज फिजिक्स पढ़ा है अब कल सवेरे फिक्स फिजिक्स पढ़ने वाला है तो आज का एक बार दस मिनट निकाल के क्या करना है रिवाइज कर लेने का फिर नया चीज पढ़ने का तो आपको मजा आ जाएगा इसको फॉलो करो आपकी लाइफ में कामयाबी जरूर आएगा आई होप सबको दवा अच्छा लगा होगा टेबलेट फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेचन में तब के बाय बाय हो गया